नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूँ इस वक्त एज यूजुअल एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, निहाओ, कोनिचिवा। प्रदीप जी आप अबार याको जांबो। और आप सबको बैसाखी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और बैसाखी जैसे फेस्टिवल जो हैं आज और कल के बीच में पूरे हिंदुस्तान में, प्रदीप जी क्या विशु भी है, कल विशु भी है, बिहू भी है, बिहू भी है असम में, और ना जाने और क्या क्या है, मतलब मेरे को तो नाम भी नहीं याद रहते। 12 के 13 फेस्टिवल्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच कैन विच हैज सो मेनी सेलिब्रेशंस, यू नो, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, हार्वेस्ट सेलिब्रेशन, द गोइंग ऑफ विंटर सेलिब्रेशन, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग सेलिब्रेशन, एंड वी आर कंटिन्यूइंग अ ट्रेडिशन विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एंड द फैक्ट इज दैट दीज ट्रेडिशन, प्रदीप जी, आर स्टिल लिविंग इन इंडिया, इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड and should be a matter of great satisfaction for all of us as Indians. Exactly, sir. And every festival and each, the dates are similar, only the names change. Yes. And it's celebrated across the country. Every month has its significance. That's right. And it's glorious to know that how our ancient astrologers, you know, predicted, and even now, if you match it up with the world organizations, it's absolutely perfect. The movement of the planet, space, the entire stars, it's perfect. And it's very, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और आप ये पूरे फेस्टिवल चीज को देखोगे, नक्षत्र को किस प्रकार से नक्षत्र का इस्तेमाल करके, जिस प्रकार से ये नक्षत्र के हिसाब से ये होता है फेस्टिवल, एंड इट्स अरे कौन से नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट है, एग्जैक्टली। और प्रदीप जी सबसे बड़ी बात अब ये आ गई है, आई एम सो सॉरी, आई हैव गॉट अ थिंग इन माय थ्रोट। प्रदीप जी, अब रामायण को लेकर के जो डेटिंग होती थी, अभी तक जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे, दे यूज टू डेट द रामायण एट अबाउट 5 or 8,000 ईयर्स। अब जाकर के मालूम पड़ा है कि रामायण की जो वाल्मीकि रामायण है, बाय द वे, उसमें जो स्टार्स की पोजीशन बताई गई है, लाइक फॉर एग्जांपल पोलक्स, जिसको अगस्त्य कहते हैं, एट दैट टाइम द पोल स्टार वॉज डिफरेंट एंड दैट वॉज 14,850 ईयर्स अगो, जो बताया गया है जिस दिन श्री राम की का जन्म हुआ, जो अभी होने वाला है बुधवार को, राम नवमी के दिन कौन सा सितारा कहां पर था, कौन सा नक्षत्र कहां पर था, उसके हिसाब से अगर आप बैक कैलकुलेशन करें तो रामायण की तिथि 14,850 या 858 साल बनती है। Exactly. तो मेरा ये कहना है, एंड दिस इज रियली द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स लाइक दैट आर कमिंग अप, एंड दिस इज ऑल, एंड ऑल दीज कैलकुलेशन आर देयर, and they are very much there for everybody to see and to verify. That's it. Until now we were told, hey, you know, we are nobodies. I mean, that's stupid. Vedic really astrology and world, this astronomical association, unke jo movements, planetary positions, everything perfect to the T. Understanding the Vedic astrology, just prakash se hum log keh rahe, come out Vedic culture, Vedic thinking, Vedic thoughts and modern astronomical jo association hai, everything to the stars, movement of stars, planet positions, planet sir positions. The distance between the earth and the moon has been calculated in the Vedas and by the way in the Surya Siddhanta to the fourth decimal place. It is accurate to the fourth decimal place, and do remember there were no calculators manual, manual. There were no calculators, yes, at that time. To mera ye kehna hai, and distance between the earth and the sun, distance between the earth and Venus, distance between the earth and Mars, distance between the earth and Jupiter. My point is, aaj ki tarikh mein agar aap, sorry, you know, since we've started, agar aap aakash ko dekhe, brahmand ko dekhe, to sabse bada planet jo wahan par dikhta hai, sabse bada star jo dikhta hai, wo Venus dikhta hai, shukra dikhta hai. Lekin phir bhi hamare astrologers ne tab kaha ki sabse bada grah jo hai wo brihaspati hai.
अरे बृहस्पति तो इतना छोटा सा दिखता है एज कम्पेयर टू वीनस, सो हाउ आर दे एबल टू नो दैट दिस हैज अ ह्यूज मास, इट इज अ ह्यूज प्लैनेट, एंड दे वर एबल टू प्रिडिक्ट वेरी वेरी एक्यूरेटली अबाउट द मूवमेंट ऑफ प्रैक्टिकली ऑल द स्टार्स, विच इज फैंटास्टिक. So, you know, which is why I say Vedic mathematics has to be taught to our kids, Vedic astronomy has to be taught to our kids, and so on and so forth. एक छोटी सी चीज मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ. आज बैसाखी है, उसके अलावा पण संक्रांति ओडिशा में है, पोयला बैशाख वेस्ट बंगाल में है, रोंगाली बिहू असम में है, पुठंडू इन तमिलनाडु, वैसाखी इन बिहार, एंड पूरम विशु इन केरला, और उसके अलावा पंजाब और नॉर्थ इंडिया में बैसाखी है साहब. तो एंड ऑल दीज आर प्रदीप जी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. एग्जैक्टली सर, कैलकुलेशन के हिसाब से ये कहा गया कि आज आप फसल काटनी शुरू कर सकते हैं. नाउ माय पॉइंट इज उसके पीछे क्या फलसफा है, क्या है क्या नहीं है, क्या ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हैं, किस तरीके से कहा गया. नाउ माय पॉइंट इज आइदर वी कैन ग्लोरी इन इट or we can pass this off as these leftist historians had been doing up till now as something which everybody does, as though to say it, nothing. Routine thing. I mean, it's horrible, it is terrible the way these people had been teaching all our kids up till now, including us, right? And at the moment with us we've got our old friend Mr. Mukesh Gandhi with us. Mukesh Gandhi sahab is with us. Mukesh Gandhi sahab from the Eknath Shinde Sena, the real Shiv Sena, as the election commission calls it. He's from From the NCP. Sorry. My fault. From the real NCP. Not from the Shinde Sena. From the real NCP. Ajit Dada Pawar's NCP. Mukesh Gandhi Sahab, Namaskar. Namaskar, Namaskar. How are you, sir? Sir, fine, fine. So, sir, हमने सुना है कि बहुत जबरदस्त. आज आप हैंडसम लग रहे हैं, बरोबर नया गेटअप है. सर वो दाढ़ी काट दी है सर और कुछ नहीं है वो क्या बस. और वो दीने दीने नवम नवम. दीने दीने नवम नवम. सर सो ये बताएं, अभी आपने जो पूरी परंपरा की बात की ना, मुझे बहुत अच्छी लगी जी. बंबई में, हिंदुस्तान में ऐसी चैनल बहुत कम होगी कि जिसमें अपने बैकग्राउंड को और अपनी परंपरा को इतने विस्तृत लेवल से और एप्रिशिएटिंग मैनर से लोगों के सामने आपने जो प्रेजेंट किया, मैं आप दोनों का इसके लिए बहुत अभिनंदन करता हूं. सर लेकिन आप मुझे बताइए मुकेश गांधी साहब के. हाँ जी. हमें हमेशा ही ये क्यों पढ़ाया जाता है कि साहब हम सतलुज की लड़ाई हारे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हारे, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हारे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हारे, हर जगह पे हारे ही हारे. अरे जो जीते उसके बारे में कुछ नहीं बताते हमको, सीधी बात है. अरे यहां से लेकर के काबुल तक हम लोग जीत के आए हैं. महाराजा रंजीत सिंह की जो एम्पायर थी, इट स्ट्रेच फ्रॉम पटियाला अप टू काबुल. उसके अलावा सर सरायघाट में द एंटायर मुगल आर्मी वॉज डेसिमेटेड, इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द असमीज. तो मेरा ये कहना कि वो सब हम लोग क्यों नहीं पढ़ाते, आप बताएं मुकेश गांधी साहब. देखिए ऐसा है कि हमारे सनातनियों की, वैदिकों की गर्जना थी कृण्वन्तु विश्वम आर्यम जी. पूरे विश्व को आर्य बनाना है. आर्य बनाना है माने अनार्य और आर्य द्राविड़ ये वो सब परंपरा नहीं है. आर्य माने एक कल्चर, जो हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा है वो परंपरा सारे विश्व में लेके जानी है. हमने कभी भी आक्रमण करके विदेशों में जाकर के सत्ता हासिल नहीं की है, पर हमने हमारी परंपरा के लोगों ने, हमारे इतिहास में अगर हम देखेंगे तो राम से लेकर के जितनी भी परंपरा, हमारे चार वेदों का निर्माण हुआ, हमारे 11 उपनिषदों का निर्माण हुआ, श्रुति और स्मृति ग्रंथ हमारे तैयार हुए, ये सभी को लेकर के पूरे विश्व में एक विचारधारा को लेकर के जाते थे. जिस तरह से अंग्रेज लोग अपना बिजनेस बढ़ाने को आते थे, मुस्लिम आक्रांता जो मुगल और क्रिश्चियन लोग थे वो धर्म परिवर्तन करने के लिए आते थे, पर हमारे देश में हमारी कल्चर जो है वो विचारों को कृण्वन्तु विश्वम आर्यम की गर्जना करते थे और सारे विचारों से परंपरा खड़ी करके लोगों के अंदर एक कल्चर, एक वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ वर्शिप खड़ा करने का काम हमारा इतिहास करता था. और हमारे इतिहास में हमने जीत पाई है,
पर अंग्रेजों की मैकॉले की शिक्षण पद्धति जब आई ना, तो उसने सोचा कि भारत को अगर कमजोर करना है तो सबसे पहले इसको इसकी परंपरा की जो भव्यता है उससे इसको विमुख कर दो, और उसी के कारण हमारी परंपरा को विमुख कर दिया, हमारी हार की स्टोरियों को आगे बढ़ाया और हमारी जीत और हमारी भव्यता का ये सोने की जो चिड़िया यहाँ देश में थी, जो हिंदी पिक्चर में गाना था ना, उस तरह से ये देश पूरा चल रहा था, वो परंपरा को तोड़ने का काम मैकॉले ने अंग्रेजों की पद्धति ने किया। और बाद में मुगलों ने आकर के हमारा इतने सारे मंदिर तोड़े, उससे भी ज्यादा हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिया, और हमारे पास जो एक कैपिटल थी, हमारे पास जो एक एसेट थी, वो एसेट को मृतप्राय करने का काम इन्होंने किया। पर ये सनातन धर्म, सनातन शब्द ही इसके अंदर है कि जो परंपरा आज तक भी टिकी है, और इसके कारण आज राजीव बजाज इतनी परंपरा की बात गौरव से अपनी चैनल से बोल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको और आपकी चैनल को धन्यवाद देता हूं। हर हर महादेव जी। प्रदीप जी, आपके पूछना चाह रहे थे। मुकेश गांधी साहब, यही कल नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुगलों ने सिर्फ जंग नहीं जीता, मुगलों ने जंग जीता और जाकर मंदिरों को तोड़ने लगा। मंदिरों को इसलिए तोड़ा ताकि वो हमारे आस्था स्थल को हिला के रखना चाहता था, अपने धार्मिक विचारों को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, आस्था स्थल को हिलाना चाहता था। पर मोदी साहब ने उस विषय को गौराकर फिर दौड़ाकर सीधा लालू यादव और राहुल गांधी और उनपे चले गए कि श्रावण के महीने में मटन खाना और जो अलग अलग प्रकार के ऐसे वक्त पर नॉनवेज खाना, इस चीज को उन्होंने कहा कि आप हमारे जो आस्तिक आस्था है, आस्था को आप ठेस पहुंचाना चाहते हो, यू वांट टू डिस्ट्रॉय। और धीरे धीरे जिसे उन्होंने कहा इंडी अलायंस सनातन धर्म के खिलाफ है, धीरे धीरे जो आपने कहा मंदिर तोड़ना ही नहीं, आस्था स्थल को हिलाना, क्या धीरे धीरे मोदी साहब वही हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडी अलायंस जो मोदी साहब बोलते हैं जी, सनातन धर्म गमंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है। गांधी साहब, यस यस, देखो धारेति इति धर्मः और धर्मो रक्षत रक्षितः, धर्म हमारा रक्षण करता है और धर्म से हमारी विचार, हमारी आस्था, हमारी जीवन पद्धति, इसके ऊपर बहुत बड़ा परिणाम होता है। और मैं आज एनसीपी में हूं, अजीत पवार ग्रुप में हूं, भले भी हूं, पर मैं पहले से हमारी धर्म और संस्कृति का उपासक हूं, विचारक हूं, और उसका प्रसार करने का कार्य भी मैंने कलकत्ता में जाकर नक्सलाइटों में भी किया है और मछुआओं में जाकर के माछीमारों के समाज में भी ओखा से गोवा तक जाकर के ये प्रचार का कार्य किया है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म और हमारी परंपरा जो बची है और आज रही है उसके कारण ऐसे है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा एक अंशावतार जैसा एक मोदी जी आ गए, ये अंशावतार ने आकर के हमारे सनातन धर्म की परंपरा को समाज में प्रस्थापित की। मैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, इन सभी को कहता हूं कि आप अपनी पार्टी चलाओ, अपना पॉलिटिक्स आगे बढ़ाओ, आप सीटों को जीत करके लाओ, पर हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, उसको तोड़ने का, उसको मोड़ने का और आने वाली नई पीढ़ी को उससे दूर करने का ये जो पाप कृत्य ये लोग सब कर रहे हैं ना, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। पर मुझे गौरव है कि मोदी जैसा एक सक्षम नेता, एक सक्षम व्यक्ति, एक ऐसा युग पुरुष खड़ा हुआ है कि जिसने सबको चैलेंज करके आज जहार में ऑफिशियली वो बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म की हमको रक्षा करनी है और उसके लिए आना है। और दूसरी बात ये भी आप समझिए, अभी आपने जो वर्णन किया कि ऋतु के हिसाब से हमारे यहाँ ये होता है सब जी, तो अभी ये जो नॉनवेज खाते हैं उनके सामने विरोध नहीं है, पर ये ऋतु के अंदर वात पित्त की प्रकृति बढ़ नहीं जाए, इसलिए इसमें ये ऋतु में शाकाहारी का इन्होंने पुनरुच्चारण किया है। जैसे हमारे यहाँ एकादशी है, पूनम है, संकष्टी है, वो सर्टन डेज दिए हैं कि जो दिन आपको मांसाहार नहीं खाना है, क्योंकि
जो ऋतु चक्र के हिसाब से हमारी वात पित्त की जो प्रकृति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी उसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों ने एक साइंटिफिक बात कही है। पर नॉनवेज खाने वाले ये समझते हैं कि हमने नॉनवेज खाए तो ही हम सबसे बड़े हो गए और तो ही हम ताकत से ला सकते हैं। जब आज नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि एक शाकाहारी व्यक्ति दिन में 365 दिन काम करने वाला 24/7 काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी सिर्फ वेजिटेरियन है, सिर्फ शाकाहारी है, और अभी तो ये नवरात्रि चल रही है तो उपवास करके भी 9 दिनों के तक सिर्फ पानी पे रह करके ये इतना बड़ा प्रचार का कार्य कर रहे हैं, ये सचमुच वंदनीय है और प्रशंसनीय है। नया भारत का जो वर्णन करते हुए मोदी साहब का तारीफ करते योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि देखो नया भारत मोदी साहब ने जिस प्रकार से स्थापित किया है कि अगर यहां पर एक फटाका भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि फटाका भी हमने नहीं फोड़ा। ये बोला ये नया भारत है, यहां बोलता नहीं, हम घर में घुसकर मारता है, घर में घुसकर मारता है। ये मोदी साहब ने पॉलिसी रखा है बालाकोट स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। क्या ये नया भारत जो मोदी साहब कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, इसमें सच्चाई आप क्या देखते हो? मोदी जी जो है ना वो हमारे कृष्ण भगवान के बड़े उपासक और उनके विचारों को गीता को मानने वाले हैं। और कृष्ण का जीवन चरित्र ऐसा है कि जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके कौरवों ने मारा तो बाद में उसको प्रेरणा देने वाले द्रोणाचार्य थे तो द्रोणाचार्य को भी बरोबर लाग करके नरोवा कुंजरोवा करके जो बात करके जो पूरी स्टोरी में नहीं कहता हूं वो करके कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को कि तुम तीर चलाओ और उनको मारो। इस तरह से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा ने मारा, अर्जुन ने नहीं मारा। नहीं मारा माने ये मैं पूरी स्टोरी इसलिए आगे पीछे नहीं रेफरेंस देता हूं क्योंकि ये तो खाली सिंबॉलिक बात करता हूं मैं जी। तो ये जो पूरा जो हमारे धर्म में जिस तरह से कार्य हुआ कृष्ण भगवान ने किया है इस तरह से आज नरेंद्र मोदी जी भी उनकी एक विचक्षण बुद्धि से हमारे धर्म को बचाने के लिए धर्म का संवर्धन करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं इसीलिए वो धीरे धीरे विश्व वंदे बन रहे हैं। क्या बात है सर। अच्छा ये बताएं अगर थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी, अजीत दादा पवार साहब जो हैं अभी ये बात हो रही है कि शायद 8 सीट आएंगी आपके पास या पता नहीं 5 आएंगी कि 6 आएंगी मुझे मालूम नहीं है कितनी सीटें आपके पास आएंगी। तो सर ये फेयर है क्या? दैट्स बीइंग अनफेयर ना, मतलब इतनी बड़ी पार्टी देखिए हमारे इतनी हमारे पास ऑलरेडी 5 सीटें सिर्फ क्या बात कर रहे हो सर 48 में से इतनी ऑलरेडी 5 सीट हो गई है। अभी नासिक की सीट के लिए बातचीत चल रही है पर आप इसमें नासिक की सीट आएगी आपको लगता है? वहां तो सिटिंग एमपी हैं वो क्यों छोड़ेंगे छगन भुजबल साहब के लिए? अभी देखिए एक 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 आप इन बिटवीन द बात मैं आपको करना चाहता हूं कि महायुति में आप अजीत पवार जी का जो रोल है ना वो आप अगर देखेंगे तो आप उनको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए जी। अजीत पवार जी ने और प्रफुल्ल पटेल जी ने कभी भी महायुति में नरेंद्र मोदी जी के टारगेट को डिफीट करने के लिए या डिफ्यूज करने के लिए कोई काम नहीं किया है। उन्होंने सबके साथ मिलके पूरी चर्चा करके जो भी योग्य लगा नरेंद्र मोदी जी को क्योंकि उनका टारगेट 45+ लाने का है तो उनको पूरा अजीत पवार जी ने सहयोग दिया है। जिस तरह से ये महाविकास आघाड़ी में अंदर अंदर झगड़े हुए इवन महायुति में भी शिंदे गट और फडणवीस गट के बीच में भी बहुत बड़ी चर्चाएं हुई, थोड़ा विखवाद भी हुआ, ये भी हुआ, पर अजीत पवार जी ने कभी भी जाकर के कोई ऐसी लूज कमेंट नहीं दी है, ऐसा कोई आग्रह नहीं किया है। इसके कारण पूरी जो महायुति की जो अभी एटमोस्फियर है ना वो बड़ी हेल्दी है और उसके कारण जो भी 5 सीट मिले या 6 सीट मिले जो भी सीट मिले उनको टारगेट यही है कि हमको नरेंद्र मोदी जी का मिशन आगे करना है। और हमारे पास ऑलरेडी पहले एनसीपी के पास लास्ट इलेक्शन में 4 सीट हम जीत के आए थे तो हमारी 5 सीटें हैं। अभी जिस तरह से देखो शरद पवार जी जैसे बड़े नेता ने महाविकास आघाड़ी में सिर्फ 10 सीटों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया और उसमें भी उनको एमपी के लिए खड़ा करने के लिए कोई मिलता नहीं है
श्रीनिवास पाटिल जी ने एंड में कह दिया कि मैं इलेक्शन अपनी तबियत के कारण लड़ना नहीं चाहता हूं, तभी दूसरे को ढूंढ रहे हैं, ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज वो तो हर जगह पर निर्मला सीतारमन जी ने मना कर दिया, वीके सिंह साहब ने मना कर दिया लड़ने से, वो तो हर जगह है सर। ऐसी नहीं, माने कहने का मतलब क्या है कि अजीत पवार जी का जो रोल है ना अभी, वो बहुत ही पॉजिटिव रोल है। वो 5 सीट या 7 सीट से उनको कोई 6 सीट कम मिलेगी, 1-2 सीट कम मिलेगी, तो अजीत दादा को ऐसा कुछ नहीं है कि इससे हम लोग विड्रो हो जाएंगे। सर, अभी एक एबीपी न्यूज का कोई सर्वे आया था जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि सुप्रिया सूले जी को 2-2.5 लाख वोट से जीत रही है बारामती, ऐसा है सर? अभी वो आज की तारीख में उन्होंने सर्वे किया होगा, पर आप लिख के रखना कि सुप्रिया सूले जी हार रही है। हार रही है। मेरे हिसाब से मेरा सर्वे ऐसा है पर्सनल, मैं वहां मेरे कार्यकर्ताओं के, उनके साथ जो कनेक्शन में हूं, उसके हिसाब से ज्यादा लीड नहीं मिलेगी, पर 17,000 से 80,000 की लीड से सुनीत्रा पवार, अजीत पवार सर एक वोट से भी जीते हैं, जीत तो सर एक वोट से भी जीते हैं, 10 वोट से जीते हैं, 100 से जीते हैं, जीत तो जीत होती है सर, उसमें क्या है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको विश्वास है कि हाथ जो है वो हालात को बदलेगा। 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस, न्याय पत्र जिस प्रकार से राहुल गांधी ने लॉन्च किया, 5 पिलर बोले कि 5 पिलर, 5 न्याय और 25 गारंटी। राहुल गांधी जी बोले अलग अलग सेगमेंट में टोटल अन्याय, 10 साल जो है अन्याय काल था, अभी हम लोग न्याय करेंगे, चाहे वो किसान न्याय हो, श्रमिक न्याय हो, यू नो, नारी न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, और उन्होंने पॉलिसीज बनाया जिसमें बहुत बहुत लुभाने वाले पॉलिसीज है, जिसमें महालक्ष्मी योजना में 1 लाख रुपया पर एनम महिला को मिलेगा घर में सिर्फ बैठने के लिए, मीन्स कुछ नहीं करना है, अंडर प्रिविलेज महिला को, यानी 8,500 रुपया, ये हाईएस्ट अमाउंट है। आप देखो वो पिछले जितने भी कल्याण, गरीब कल्याण स्कीम है, सबसे लुभावना ये स्कीम है। विल दे एबल टू मेंटेन इट, गांधी साहब? विल पीपल बिलीव? ऐसा है, देखिए ऐसा है जी कि इसमें राहुल गांधी के बारे में तो एक ऐसा ही कहना चाहिए कि कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना, बड़ी बड़ी बातें करके सिर्फ बताना वो बहुत आसान है, पर उसको टारगेट पे फिट करने का काम उनके पास कोई कैपेसिटी है क्या? अगर इतनी कैपेसिटी होती तो वो पार्टी को बचा करके, उसका संवर्धन करके, पार्टी के नेताओं को अपने साथ, जो 20-21 नेता बड़े बड़े पार्टी में से चले गए, और आजकल तो उनके महाराष्ट्र के और इंडिया लेवल के प्रवक्ता भी आज पार्टी से निकल जा रहे हैं जी। और कोई कांग्रेस में, कोई शिंदे में, कोई बीजेपी में चले जा रहे हैं। करेक्ट। इसका मतलब के इनकी जो कुछ भी बातें हैं ना, वो सिर्फ बातें हैं, और बातूनी लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं, और जो काम नहीं करते हैं उनको जनाधार बढ़ता नहीं है, और पब्लिक उनको सर कांग्रेस का ये कहना है, मुकेश गांधी साहब, कांग्रेस का ये कहना है कि हमने जो जो स्कीम अनाउंस करी हैं, ये लक्ष्मी स्कीम को छोड़कर, क्या महालक्ष्मी स्कीम, महालक्ष्मी योजना को छोड़ करके बाकी जो स्कीम्स हैं हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करी हैं कर्नाटक में, और कर्नाटक मॉडल को आप देखिए, कांग्रेस यही कर्नाटक मॉडल जो है पूरे देश में लाएगी। तो आपकी क्या खबर है, क्या कर्नाटका में आज की तारीख में जो सिद्धरमैया साहब की जो सरकार है, क्या जो उन्होंने वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे चुनाव के दौरान, क्या उन वादों को पूरा किया है या पूरा करने की कोशिश हो रही है? गांधी साहब देखिए, अभी ऐसा है कि कर्नाटक में योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन अगर हुआ होता तो आज की तारीख में कर्नाटक में कांग्रेस के लिए बहुत ही अनरेस्ट खड़ा हुआ है, और आप लिख के रखिए कि कांग्रेस को कर्नाटक से वापस उनकी सीटें कब होगी, और बीजेपी की सीट वहां बढ़ेगी, क्योंकि कर्नाटक ने भी वहां सिर्फ बातें की है, पर वहां भी हिंदू मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल करके जो काम कर रहे हैं, और योजनाओं का लाभ भी जो तरीके से लोगों तक जाना चाहिए वो अभी तक गया नहीं है, योजनाएं सिर्फ पेपर पे है, ऐसा रिपोर्ट हमको ये टीवी न्यूज चैनल से मिलता है। मैं तो कर्नाटक के न्यूज में भी, वहां का ई टीवी वगैरह जो एबीपी है, वहां से भी देख करके कभी न्यूज देख लेता हूं,
तो सर, उसमें से पिछली बार 2019 में कर्नाटक में 28 सीट है, देयर आर टोटल 28 सीट्स। बीजेपी को 25 मिली थी, कांग्रेस को एक, जेडीएस को एक, और एक इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय बीजेपी हु वन वन सीट। सो इन इफेक्ट द बीजेपी वन 26 सीट्स आउट ऑफ 28। तो इससे और ऊपर कहां जाएंगे सर, कांग्रेस की तो वैसे ही एक सीट है, वही वही मेंटेन हो जाएगा ना। हमारे कर्नाटक में जो कांग्रेस आज दावा करती है कि हम वहां से 10 से 15 सीट जीत के आएंगे, इट्स अ टोटली इम्पॉसिबल, नामुमकिन है ऐसा मुझे लगता है। इसके बावजूद के राज्य सरकार उनकी, हाँ भले राज्य सरकार उनकी है, देखिए ऐसा है कि अभी ये सिर्फ बीजेपी की नहीं है। आज जैसा प्रेसिडेंट रूल यूएसए में होता है, न्यूयॉर्क में, वहां फॉरेन में, उसी तरह यहां से प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने के आने के बाद में एक ऐसी बात हो गई है कि पार्टी से ऊपर हु विल बी द आवर प्राइम मिनिस्टर, इसके लिए लोग वोटिंग कर रहे हैं। That is true. और मोदी जी को जो फेवर मिल रही है उसी के कारण मिल रही है। Correct. अगर बीजेपी को भी साथ में लेंगे वो सपोर्टिंग है, पर इसमें विक्टरी पार्ट जो है वो नरेंद्र मोदी है और विक्टरी का फिगर भी नरेंद्र मोदी जी है, इसलिए ये इलेक्शन में सारे स्टेट में, और अभी आप देखिए कि साउथ में भी देखो कितनी फेवर चल रही है। सर आपसे एक और चीज पूछ रहा हूँ, चलिए साउथ के बारे में बात करेंगे एक सेकंड में। सर कर्नाटक में 28 में से 26 आई आपको, मध्य प्रदेश में 29 में से 28, बिहार में 40 में से 39, राजस्थान में 25 में से 25, झारखंड में 14 में से 12, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9, हरियाणा में 10 में से 10, दिल्ली में 7 में से 7, दिल्ली में 5 में से 5, दिल्ली में 7 में से 7। तो सर आपकी बढ़ेंगी कहां से सीटें, आप ये बताइए ना, वे विल योर सीट्स गो अप। हाँ, हिमाचल प्रदेश में 4 में से 4, गोवा में 2 में से 2, जम्मू में 2 में से 2, छत्तीसगढ़ भी पूरा क्लीन स्वीप, एवरीवेयर एवरीवेयर छत्तीसगढ़ दे गॉट 9 आउट ऑफ 11। अभी इनको 400 के ऊपर जाना है ना, 425 सीट्स लाने वाले हैं बीजेपी और एनडीए मिलके, तो वो कहां तो से वो सब अभी साउथ, तो तमिलनाडु जाएंगी। हाँ, तमिलनाडु, बंगला, ये सब जगह से वहां से सीटें मिलेगी ज्यादा उनको, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश यू डिड नॉट गेट एनीथिंग, जीरो आई थी आपकी। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके हु वाज एन अलाई ऑफ योर्स, उनको आई थी एक सीट 39 में से 39 में से तो एक आई थी, वो भी आपकी नहीं थी, वो भी अन्ना डीएमके की थी, यानी बीजेपी की नहीं थी। ओडिशा में 8 सीटें आई थी, इस बार क्या होगा सर ओडिशा में? ओडिशा में तो पॉजिटिव है वातावरण उनका, उनके नवीन पटनायक के साथ में भी अलाइनमेंट अच्छा है, और दे विल गेट द वेरी गुड फेवर। एंड व्हाट अबाउट वेस्ट बंगाल सर, आउट ऑफ 42 यू वन 18 लास्ट टाइम, आई हैव द फिगर्स हियर इन फ्रंट ऑफ मी। अभी दिस टाइम बीजेपी विल क्रॉस 30 आउट ऑफ 42। कलकत्ता, तो कलकत्ता मेरा ससुराल है और कलकत्ता में मैं बहुत लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में रहता हूँ। आज कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का अंडर करंट बहुत जबरदस्त मोदी जी की फेवर में है, बहुत जबरदस्त फेवर में है। और वैसा ही साउथ इंडिया में, चेन्नई में, मद्रास में हमारे गुजराती समाज के कुछ लोग वहाँ बिजनेस फेडरेशन में वगैरह में भी एक्टिव है, काम करते हैं, वो लोगों का भी रिपोर्ट है कि इस टाइम ये मोदी जी साउथ में बहुत अच्छी सीटें लेकर के जीत के आएंगे और अन्ना डीएमके डीएमके को बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा, ऐसा बताते हैं। अभी तो क्या है कि एंड में इलेक्शन के पहले अगले मूवमेंट तक क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसके ऊपर भी ये सब अवलंबन रखता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए नॉर्थ में आपकी सीटें कुछ कम होती हैं तो वो कॉम्पेंसेट हो जाएंगी साउथ से, 5 स्टेट जो हैं दक्षिण भारत के वहां से आपको ज्यादा मिल जाएंगे। और देखिए राजीव जी, जी राजीव जी, मेरा एक दूसरा एक कहना ये भी है कि मोदी जी को, बीजेपी को साउथ में से थोड़ी अच्छी सीट मिलेगी तो बहुत अच्छा है, कि हमारे भारत को यूनाइट करने के लिए ये बहुत जरूरी आता है। थोड़े नॉर्थ में कम होकर के साउथ में करके बैलेंसिंग हो गई, क्योंकि आज साउथ की एक लॉबी जो है ना वो पूरी नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करना चाहती है। उसके लिए जिस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट चालू हुई थी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने रोहिंग्या मुसलमानों का सपोर्ट लेके बांग्लादेश के लोगों को बंगाल में घुसा करके पूरे
हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ में खड़ा कर दिया। तो इस तरह से साउथ और नॉर्थ का विभाजन करने के लिए एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है और उससे फॉरेन से ऑलरेडी फंडिंग चालू हो गया है। क्योंकि यहाँ पे लॉजिक ये आता है सर, क्योंकि आपकी बात जो है अगर वो हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, हमारे देश के लिए अच्छा होगा कि हमारा देश यूनाइटेड रहेगा। माशाल्लाह, वैसे भी यूनाइटेड है सर, देश को डिसयूनाइट कोई नहीं कर सकता। और जो पांचों स्टेट में आपस में कोई तालमेल नहीं है, बिकॉज केरला टोटली अलग है, तमिलनाडु फंक्शन डिफरेंट वे, आंध्र प्रदेश इज टोटली डिफरेंट वे, कर्नाटका, तेलंगाना, यानी आपस में कोई ऐसे यूनाइटिंग फैक्टर नहीं है कि वो एक लॉर्ड बनकर लेकिन विभाजित या डिवाइड करने वाली, मीन्स लॉजिकली स्पीकिंग। प्रदीप जी, यहाँ दूसरी चीज जो सामने आती है वो प्रदीप जी ने ही बोला था एक डेढ़ हफ्ते पहले कि भाई कांग्रेस की तरफ से आर्ग्यूमेंट आती है कि असली नेशनल पार्टी तो हम अकेले हैं, क्योंकि हमारी साउथ में भी सीटें हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, ईस्ट में भी हैं, हर जगह पर हैं, बीजेपी तो सिर्फ हिंदी बेल्ट डोमिनेटेड पार्टी है, विच इज बाय द वे अनट्रू, बिकॉज दिस इज अंडर करंट ऑफ कांग्रेस टू डिवाइड इंडिया इन साउथ एंड नॉर्थ। क्षेत्रवाद, वो क्षेत्रवाद का आरोप ही मोदी साहब ने लगा, परिवारवाद, तुष्टिकरण, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, इनसे मैं मुक्ति दिलाऊंगा, दैट इज मोदी साहब जो क्षेत्रवाद का बात कर रहे हो। बट सोनिया गांधी ने जिस प्रकार से कहा, मोदी साहब इन इज टोटल अपने आप को ग्लोरीफाई करने के चाह में उन्होंने पूरे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को मिटाने का काम किया है, सोनिया गांधी एक्विजिशन है। सोनिया गांधी कह रही है कि there's a big conspiracy going on, a big conspiracy to see that they want to change the constitution. Now Sonia Gandhi jaise leader bahut dinon baad aise message leke pure desh mein wo phaila rahi hai ki the BJP, there is a conspiracy to change the constitution, and Prime Minister Modi apne aap ko glorify karne ke chaah mein shaking the pillars of democracy and the nation. Gandhi sahab, what? नहीं नहीं नहीं, ये तो सोनिया गांधी तो ऑलरेडी इटालियन माफिया की कनेक्टिंग लेडी थी, ऐसे पहले बहुत बातें आई थी और 10 साल तक उसने पूरे मनमोहन सिंह को पपेट बना करके पूरा हिंदुस्तान। अगर ऐसी बात थी तो पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने वो कनेक्शन निकाला क्यों नहीं और उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, उनके खिलाफ केस क्यों नहीं किया गया? अगर आपकी बात ठीक है कि इटालियन माफिया उसमें इन्वॉल्व थी, तो क्या व्हाट प्रिवेंटेड यू जिस तरह से दाऊद को भी आज तक हमने पकड़ के ला नहीं सकते हैं, ये वैसे ही ये इनका कनेक्शन होता है। कई लोगों के ऐसे कल्प्रिट 1982 में मैं जर्नलिज्म में आया, तब से यही बातें चल रही हैं। आज तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 3 बार आई, एक 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार, उसके बाद 4.5 साल की सरकार, उसके बाद मोदी जी की सरकार 2 बार आई, 10 साल हो गए हैं। आज तक किसी ने एक श्रेड ऑफ एविडेंस सामने नहीं रखा है सोनिया जी के खिलाफ, सिर्फ बातें हैं सर, बातों का क्या है? ऐसे तो मोदी जी के खिलाफ भी बड़े लांछन लगते हैं, वी डोंट बिलीव। बरोबर है तो सर, ये बातें मुझे लगता करने वाले राजीव जी, ये तो ये बीजेपी को, मोदी जी को कल जाकर के सोनिया जी के स्टेटस के बारे में पूरा क्लियर देश के सामने करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों के अंदर सिर्फ भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं होती सर। व्हाट स्टेटस? शी इज एन इंडियन सिटीजन, शी हैज लिव्ड इन इंडिया फॉर अ लॉन्गर टाइम देन शी लिव्ड इन हर बर्थ प्लेस which is Arbasano in Sicily. She has lived in India for a longer time. So, matlab, yes. I don't know what status. She's an Indian, sir. You must know this. It is because of my story. I was a young correspondent in Surya magazine. I discovered in 1983... in February, March, that Mrs. Sonia Gandhi was conducting the life insurance business from the Prime Minister's house, and she was still not an Indian citizen. She still had an Italian passport. March, April ki baat hai.
ये कवर स्टोरी मैंने करी सूर्या मैगजीन में, उसके बाद इन मे मिसेस सोनिया गांधी एक्वायर्ड इंडियन सिटीजनशिप, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन सर. अरे वाह, इट्स अ गुड अचीवमेंट ऑफ योर करियर. आई डोंट नो अबाउट दैट, वेरी गुड, अप्रिशिएट. आई डोंट नो अबाउट दैट. जवाब राजनाथ सिंह ने दिया. राजनाथ सिंह ने आप ही के बात किए थे राजनाथ सिंह. मुकेश गांधी साहब आप बोल रहे हैं, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन शेकन बाय एमरजेंसी इम्पोज्ड बाय इंदिरा गांधी. मुकेश गांधी साहब जो आप बात कर रहे थे, और राजनाथ सिंह जी का यह हालत था कि उनके मदर का डेथ का फ्यूनरल तक राजनाथ सिंह जा नहीं पाया बिकॉज ही वॉज अंडर अरेस्ट. आई वॉज जस्ट टेलिंग. बोलिए बोलिए गांधी साहब. नहीं नहीं, देखिए ऐसा है प्रदीप जी कि आपने जो क्वेश्चन किया ना कि सोनिया गांधी जी कहती है कि इन्होंने डेमोक्रेसी को हिला दिया है, संविधान को चेंज करने वाले हैं, और ये जाकर के वहां मंदिर में जाते हैं, फिर वो पानी के अंदर जाते हैं, ये करते वो करते करके उनको हास्यास्पद बनाने का काम किया है. क्योंकि बेसिकली सोनिया जी राहुल और जवाहरलाल नेहरू के फैमिली का पूरा कल्चर ही एंटी हिंदू और एंटी सनातनी है, और मोदी जी लोगों के बेसिक सेंटीमेंट्स को उजागर करने का जो काम कर रहे हैं ना जी, इसके कारण इनको तकलीफ होती है. और दूसरा कि कांग्रेस ने कितने अमेंडमेंट किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 104 कितने लोग किए, 104 104. और दूसरा जो नॉन सेक्युलर था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको सेक्युलर बना दिया, और हमारे हिंदुओं के अगेंस्ट में सारे लॉज पास कर दिए, हमारे बिना पूछे हिंदुओं को कंसल्ट किए हुए वकाफ बोर्ड को करोड़ों की जमीनों का मालिक बना दिया. ये काम तो कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस ने इतने सारे काम और कौभांड किए हैं कि उसके सामने नरेंद्र मोदी जी का एक कौभांड दिखा है ना. एक सर, तो 10 साल आपके पास थे ना, 10 साल बीजेपी के पास थे, दे गुड हैव रिवर्स्ड इट. वकफ बोर्ड का यानी वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसको चेंज कर दीजिए, क्यों नहीं किया अभी तक? आपके पास तो फुल मेजोरिटी है. नहीं नहीं, कहीं कुछ ब्रेकअप आया नहीं है पूरे इसमें. क्या होता है देखिए, इंटरनेशनल भी मुसलमानों का बहुत प्रोमिनेंस है वर्ल्ड में. नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के मुसलमानों को संभालना है, वैसे फॉरेन के भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उनको भी इस कॉन्फिडेंस में लेनी पड़ेगी, और सब बातें साथ में मिला करके मुझे लगता है कि अगले चार साल के अंदर वकाफ बोर्ड का इश्यू आपको एकदम क्लियर. तो मतलब इस इलेक्शन का जो थ्रस्ट रहेगा मुकेश गांधी साहब आपके मुताबिक, वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम रहेगा, कहने का मतलब ये हुआ? हाँ, 100% यही है. पर देखिए अभी जो मुस्लिम अभी मैं ये रमजान के दिनों में एक दिन ऐसे ही रात को मैं कुर्ता पायजामा लगा के मेरे 2-3 दोस्तों को लेकर के मोहम्मद अली रोड पे घूम के आया जी, और मैंने ऐसे ही बात में कहा कि क्या लगता है मोदी जी आएंगे क्या, तो उसमें मुझे 50-60% लोग कहते हैं कि मोदी जी इज वेलकम, और 30-40% लोगों ने कहा है कि नहीं, वाई वी वॉन्ट मोदी जी, वी वॉन्ट ओनली अवर कांग्रेस गवर्नमेंट जी. तो ये जो कॉन्फिडेंस जो आज 50% क्या, मैं कहता हूं चलो 20-25% मुस्लिमों को भी आज लगता है कि मोदी जी इज नॉट एंटी मुस्लिम, और हम हिंदू लोग जितने भी हैं हम लोग एंटी मुस्लिम नहीं है, पर मुस्लिम लोगों के अंदर ऐसा पॉइजन डाला जाता है कि उनको एंटी हिंदू बनाया जाता है. Right. तो इसके कारण ये सब पूरा गोलमाल चल रही है, पूरी है गोलमाल इसका. सब गोलमाल चलिए, तो करना पड़ेगा सर. दैट वाज अ लवली मूवी बाय द वे, पुरानी गोलमाल जो थी उत्पल दत्त और अमोल पालेकर की. गांधी साहब इज कॉन्फिडेंट 400 पार. अभी तो मोदी जी की नई फिल्म आएगी मालम पाल, पारम पार, क्या बात है. इस बार 400 पार, 420 के 425 कितनी आएंगी सर? 425 420 नहीं बोला जान के आपने, 420 भी आवे तो क्या फर्क पड़ता है. चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. And happy Baisakhi to you. 6 मिलाएंगे तो 6-6 हो जाएगी भैया. Sir, happy Baisakhi to you. Very very happy Baisakhi to you. Happy Bihu to you. Happy Vishu to you. Happy everything. और रामनवमी आने वाली है तो सर वो बुधवार को, उसके पहले मिलेंगे जरूर. हाँ, कि रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणा बिहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं
रामे चित्तलयम सदा भवतु मे भो राम मम उद्धर। ओ राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राइट, लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू आवर फ्रेंड मिस्टर भरत सिंह फ्रॉम द कांग्रेस एंड लेट्स आस्क हिम। भरत सिंह जी नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद सर, जय हिंद, जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं सर? बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैसाखी भी है, विशु भी है, बिहू भी है, ना जाने और क्या क्या है सर, मैं तो भूल जाता हूँ। 12-13 फेस्टिवल हैं आज तो। सारे त्योहारों की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, विशेष करके नवरात्रि, नव दुर्गा माता की जो है आज पांचवा दिन है सर। कृपा बनी रहे। जी जी जी, कृपा बनी रहे। आज ही दर्शन करके भी सिद्धि विनायक से आ रहा हूँ। क्या बात है सर। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो सर आपने सुना, अभी अभी मुकेश गांधी साहब हमारे साथ थे, वो तो खैर अजीत दादा पवार के हैं, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी में ज्यादा है, अजीत दादा पवार में कम है। वो कह रहे थे इस बार का इलेक्शन हिंदू वर्सेज मुस्लिम ही होगा। आपकी क्या राय है सर? अब वो खुद ही कह के चले गए कि इस बार हिंदू और मुस्लिम होगा, तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। जो भाजपा की सोच है वो बता के गए, अजीत पवार जी की सोच नहीं बताए, क्योंकि उनकी ताकत बची नहीं है जी। ना इनकी, अभी गांधी जी की ताकत तो कुछ है ही नहीं है। अजीत पवार जी की ताकत खत्म कर दिया है, जो पंगू बना दिया है भाजपा ने उनको। सर, और उनके साथ में चार सीटें दी है कि पांच सीटें दी, शायद पांचवी भी नहीं है, चार आई है शायद, जहां तक मेरे मुझे चुनाव होते होते लगता है एक दो और बचेंगे खाली, और एक दो के लिए बोलने की नहीं, ये भी खाली करो, ये भी हमारे कुछ लोग आ रहे हैं उनको देना। मतलब समझ लीजिए कि जो दादा की दादागिरी हमारे महाविकास आघाड़ी में चलती थी, उस समय सारे मीडिया पत्रकार भाई ये कहते थे कि दादा की दादागिरी चल रही है, वो सारी दादागिरी कहाँ गई है, वो ये गांधी जी ने बताया नहीं, और आपने साथ पूछा भी नहीं। नहीं नहीं पूछा सर, वो शरद पवार जी के पास है ना अभी, जो दादागिरी थी एमपीए में, क्योंकि शरद पवार जी पीछे बैठे थे इसलिए थी, ऐसा तो नहीं है, वो तो सबको मालूम है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई। लेकिन एक चीज आप बताएं सर, राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, उसके अलावा हमारे जितने भी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के या लीडर हैं, सब यही कहते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी से कोई भी बात पूछो, कुछ भी करो, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करो, राइजिंग डेट के बारे में बात करो कि मतलब कर्जा इतना बढ़ गया हिंदुस्तान के ऊपर, आर्मी ने जो ओआरओपी है अभी तक कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है सर, उसके अलावा ना जाने जो भी बात करो, वहाँ पे वापस आता हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे। ये क्या है सर, मतलब क्या आपको लगता है कि अब हिंदू जो हैं या मुसलमान जो हैं वो इतने पागल हैं कि इस बात से वो मतलब बह जाएंगे एकदम? क्या लगता है आपको भरत सिंह जी? मैं पागल तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये हाँ, ये सच्चाई है कि इस देश में बहुत ही भावनात्मक, चलिए पागल नहीं, इमोशनल है, जो आपने वर्ड यूज किया परफेक्ट है, भावनात्मक हो सकते हैं, इमोशनल, भावनात्मक जी। इमोशनली जो अत्याचार होता है, इमोशनली अत्याचार, वो अत्याचार भाजपा करती है इस देश के दोनों कास्ट पे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मुसलमानों के पास जाते हैं तो जो है टोपी लगा लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं दूसरी तरह से, कोई बोरी मुसलमान कह देंगे, कहीं पसमाना मुसलमान कह देंगे। अरे मुस्लिम कौम तो मुस्लिम कौम होती है, चाहे वो पसमाना कहें, चाहे वो बोरी मुसलमान कहें, चाहे वो मुस्लिम कहें। अब हिंदू पे आ जाएंगे तो एक को दलित कहेंगे, फिर बोलेंगे कि अति पिछड़ा हुआ है, ये हम उसके साथ हैं, कोई के अपर कास्ट है हम उसके साथ हैं। तो ये भावनात्मक जो खेल है, ये भाजपा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छी तरह से ये कार्ड खेलते हैं, और देश की जनता इतनी भोली भाली है, अगर नहीं होती ना तो मुझे लगता है 5 साल पहले उखाड़ के इनको फेंक देती। जिस हिसाब से देश की महंगाई चल रही है, जिस हिसाब से बेरोजगारी पड़ी हुई है, जिस हिसाब से लोग परेशान है, जिस हिसाब से सीबीआई ईडी परेशान कर रही है सारे नेताओं को, तो वो कहीं ना कहीं ये सब पूरे चुनाव में आपको दिख रहा है, कहीं बेरोजगारी दिख रही है, महंगाई का दिख रहा है, कहीं कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी, विपक्ष ये बोल रही है महंगाई बेरोजगारी, लेकिन भाजपा हिंदू। अभी आप किसी भी प्रवक्ता को बिठा लीजिए, किसी भी प्रवक्ता को भाजपा के बिठा लीजिए, राजीव भाई, वो आपको सिर्फ ना हिंदू और मुसलमान की बात करेगा, मंदिर और मस्जिद की बात करेगा, मछली खा रहे थे वो दिखाएगा कि नवरात्रि में मछली खा रहे थे, ये त्योहार में मछली। अरे भाई आप बेसिक चीज पे आओ, जो देश का मुद्दा है, जिसके लिए देश ने आपको चुन के बिठाया है, वो महंगाई के लिए, वो बेरोजगारी के लिए, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार पता है ना आपको मोदी की सरकार क्या क्या चलाते थे, आप उसकी बात नहीं करोगे?
सिलेंडर गैस की बात नहीं करोगे, ये बात होना चाहिए देश में, मगर उसको डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन और ये भी देखिए ना, खासियत ये है कि हमारे देश का जो चौथा स्तंभ है ना, वो उस पर बात नहीं करवाता है, उन्हें करता है, वो भी आके पूछने का, भरत सिंह जी आप बताइए कि महंगाई कैसे नहीं रुक रही है। अरे भाई भरत सिंह जी इसका जवाब देंगे कि महंगाई कैसे नहीं रुक रही है, इसका जवाब तो जो सत्ता में बैठा है आप उससे पूछेंगे ना, कि भरत सिंह से पूछेंगे। भरत सिंह जी अगर मोदी जी के गारंटी बोल रहे कि मोदी जी की गारंटी इस कदर वर्ल्ड अफेयर्स में पहचाना जाता कि भारत का झंडा लेकर युद्ध क्षेत्र में तो सुरक्षा का गारंटी लोगों को मिलते है, तो भारत का झंडा लेकर घूमते हैं लोग, ये विदेश देश विदेश में मोदी जी ने ये गारंटी बना दी है। मोदी गारंटी देश का गौरव बनाना, 7 दशक में, अभी कहानी में कहा 7 दशक में अकेला मोदी जी तो आर्टिकल 370 अब्रोगेशन कर दिया, और कश्मीर में जितना बिजनेस ट्रेड कॉमर्स हर चीज लोकतंत्र को जिस प्रकार से उन्होंने कश्मीर में लहरा दिया, ट्रिपल तलाक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 10% रिजर्वेशन स्वर्ण जाति को, ये मोदी जी ने किया है। तो अलग अलग जो मोदी जी ने गिना है, बोले कि किसने, और विदेश में भी भारत का झंडा आप लेके चलो, आपको गारंटीड सुरक्षा का गारंटी है, सुरक्षा में गारंटी है, ये मोदी गारंटी है, उनका कहना है बीजेपी का। भरत सिंह जी आपने एकदम सही कहा, इस बात को मैं जरा भी नहीं काट सकता हूँ कि मोदी गारंटी जो है, मोदी गारंटी है, और वो पहली गारंटी है सुरक्षा की गारंटी, कि आप जो है देश की बहन बेटियों को सड़क पर भी लेके आ जाओ, छेड़ दो, उसके साथ जो है जितना भी गलत से गलत काम कर सकते हो करो, उसकी गारंटी मोदी जी के बचाने के लिए उसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिजभूषण शरण सिंह है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि आप कितने भी बड़े भ्रष्टाचारी हो, और जितने बड़े होंगे उससे सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा, और हम आपको अपनी पार्टी में मिलेंगे, आपको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आपको कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, ये सब बनाएंगे, लेकिन आपका प्रोफाइल एकदम तगड़ी होनी चाहिए, आप एकदम मजबूत जो है घपलेबाज होने चाहिए, सबसे ज्यादा आपने देश को लूटा हो, अगर ये काम किया होगा तो वो मोदी गारंटी में ये गारंटी आती है कि आपको यहां बचाया जाएगा। तीसरी गारंटी जो मोदी की है कि सबसे ज्यादा अगर धर्म पे, जात पे अगर किसी को दंगा करवाना है, भड़काना है, किसी जात को नीचा दिखाना है, तो वो जो है गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला जैसे व्यक्ति जब हमारे ठाकुर समाज के राजपूतों के लिए इस तरह से बयान देते हैं, तो उसको बचाने की गारंटी वो मोदी गारंटी होती है, उसको कहते हैं मोदी गारंटी। और ये ब्रांड पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में चल रहा है। अब विश्व के दूसरे भी नेता सोचते होंगे कि क्यों ना ये गारंटी हम भी ले लें और इसी तरह से हम भी करें। और चौथी गारंटी कि आप कुछ भी कर लीजिए, विपक्ष के जितने भी लोग विपक्ष में है, वो मोदी गारंटी देते हैं कि सीबीआई ईडी आपके दरवाजे पे सुबह 5 बजे खड़ी हो जाएगी, आपको जेल में डाल देगी, ये मोदी की गारंटी है। पांचवी और सबसे बड़ी गारंटी है कि देश के जितने नेता होंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चुने हुए मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, वो सब के सब जेल में होंगे, ये गारंटी मोदी की गारंटी है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि मोदी की गारंटी के आगे सारी गारंटी फेल है। सर जंग रुकवा दी थी, वॉर रुकवा दी थी ना सर, युद्ध क्षेत्र में एक ही झंडा लगता है बीजेपी, सॉरी मोदी जी के। बोलिए सर, बोलिए। हाँ बेचर, हाँ वो तो वार में तो मैं भी भूल गया था, तो बहुत बड़ा गारंटी था कि अभी तक तो वार रुका हुआ है, पिछले 1.5 साल से जो है वो तो नेस्त नाबूद हो चुका है वो देश बेचारा, और अभी तक कहते पहले स्टार्ट जैसे हुआ था मोदी जी तब तो पहुंच गए हैं, और मोदी जी ब्रेकिंग न्यूज, ऐसे ऐसे एंकर तो मैंने देखा, आपने देखा होगा, मैं तो हंस रहा था टीवी पर, एंकरिंग ऐसी भी होती है क्या? नहीं, वहां कुछ नहीं चल रहा, लेकिन खुद गिर जा रहे हैं, गिर के कैमरा झुका के कैसे, मतलब हद हो गई है। मैं तो कहता हूं कम से कम अपना मान सम्मान तो बचा के रखो, इस मोदी की गारंटी में अपनी गारंटी क्यों खोलते जा रहे हो? देश के चौथा स्तंभ को बहुत देश मानता है, और इसी पे मुझे लगता है देश का भरोसा है, बचा है ना, तो उसको बचा लीजिए आप लोग सब मिलके, नहीं तो ये भी गारंटी आ जाएगी कि देश के चौथे स्तंभ को भी खरीदने का काम और उसको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम, ये भी मोदी गारंटी के अंदर आएगा। अभी तक हुआ नहीं है, बचा हुआ है थोड़ा, अभी तक नहीं हुआ है, नहीं हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे आप लोग जैसे बचे हुए हैं तो ये गारंटी से बाहर आते हैं सर। वो भी बहुत जल्दी बैन होने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी बैन होने वाले हैं सर, वो भी हो जाएंगे वो भी टाइम आ रहा है। बहुत सारे लोगों को तो आतंकवादी घोषित कर ही दिया है जी। लेकिन ये बताएं सर, क्या है कि एक जो एक स्पेसिफिक प्लान होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट ने आपके हाथ में डाल दिया है,
अब उसको लेकर के बिल्कुल फोकस्ड कैंपेन क्यों नहीं चल रही है अभी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मेरी नॉलेज में, मेरी मेरे संज्ञान में, मेरी जानकारी में शायद नहीं आया हो सकता है, लेकिन अभी तक वो फोकस्ड कैंपेन जो है वो क्यों नहीं चल रही सर, बताएं प्लीज। राजीव भाई आपको पता नहीं आपके पास न्यूज है कि नहीं, लेकिन हम जहां जहां मीटिंग में जा रहे हैं, हमने इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड का जो है वो इशू हर जगह रेस कर रहे हैं, हर जगह हम बता रहे हैं ये बहुत बड़ा स्कैम है। सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्रालय उनके पास है, जब उनके पति देव ने ये कह दिया है कि ये सबसे बड़ा विश्व इंडिया का नहीं है पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें बीजेपी जो है वो मास्टरमाइंड है और सब उसने किया है, तो इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं दुर्भाग्य फिर कहूंगा कि इस विषय को जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए वो हम जो बता रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं, लेकिन उसको एडिट करके जो मीडिया चलाती है दिखाती है, इसलिए शायद मुझे लगता है देश तक ये नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अब हम पूरी तरह से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता हैं, हम जो है जहां जहां जा रहे हैं वो पदयात्रा के माध्यम से, वो कैंपेन के माध्यम से, हर जगह ये बता रहे हैं कि इस देश का सबसे बड़ा घोटाला अगर किसी ने किया है वो मोदी ने किया है, मोदी जी ने किया है। और ये देखिए ये है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, जो कि मतलब वो कहते हैं ना कि लीगल घुस लेना, लीगल चंदा लेना, एक तरफ मतलब चंदा दो और धंधा लो, ये काम है मोदी जी का और ये काम है भाजपा का। तो ये हम दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं, जहां भी हम कैंपेन चल रहा है बता रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से इस इशू को मतलब एकदम बोलते हैं ना आग लग जानी चाहिए थी, और वो आग लगाने का काम अगर कोई करता है, आग लगाना मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी घर को आग लगा देंगे, लेकिन इसको कहते हैं ना कि अगर हाईलाइट, देखिए जब तक हम और आप मिलेंगे नहीं तब तक ये संभव नहीं है। हम हमारे पास एक लिमिट जो है, एक साधन है, उस संसाधन और साधन और संसाधन को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आप ये राजीव जी देखिए कि हमारे सारे अकाउंट को सीज कर दिया जाता है, हम ऐड दे सकते हैं ना, हम बातें रख सकते हैं, बता सकते हैं, उसके लिए भी तो खर्चे लगते हैं ना, उस सारे चीजों को पूरी तरह से एकदम जाम कर दिया है भाजपा ने। इनको मालूम है कि अगर सारा चीज इनके पास जो बैंक बैलेंस रहेगा, जो अगर देना है, खर्चा लगेगा, सब लगता है ना, वो तो देना पड़ेगा, लेकिन वो पूरी तरह से बंद करके रखा है। तो ये भरत सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने जिस प्रकार से कहा कि मोदी जी अपने आप को ग्लोरीफाई करने के चक्कर में लोकतंत्र को और पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है, सोनिया गांधी जी ने कहा, और सोनिया गांधी आगे जाकर कहा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, बड़ा षड्यंत्र चल रहा है संविधान को बदलने का, सोनिया गांधी का चार्ज। उसके चार्ज में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सबसे बड़ा खतरा तब था जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था, और राजनाथ सिंह अपने ही बात कह रहे थे कि वो जेल में थे और उनका माता का अंतिम यात्रा तक को वो जा नहीं पाए, बिकॉज इमरजेंसी की जो क्रूरता था उसको जेल से बाहर निकलने नहीं दिया। तो ये दोनों को आप कैसे चीज देखोगे कि आप आज कर रहे हो कि लोकतंत्र खतरे में, ये राजनाथ सिंह जी का कहना कि आप इसको ऑलरेडी आजमा चुके हैं। देखिए सबसे लाचार मजबूर अगर देश में कोई मंत्री है, सबसे लाचार और मजबूर, तो देश के सबसे बड़े नेता मैं मानता हूँ, बड़े नेता है राजनाथ सिंह, छोटे मोटे नेता नहीं, छोटे मोटे नेता मैं नहीं मानता हूँ, बहुत बड़े नेता है। लेकिन उनकी लाचारी मजबूरी देखिए, जो तीसरी पंक्ति में खड़े हैं आज, जिसको पहली पंक्ति में होना चाहिए था, मैंने वो विजुअल भी देखा, मैंने मेरी आंख से देखा है राजीव भाई, मैंने मेरी आंख से 2007 में देखा है, जब ये अध्यक्ष हुआ करते थे जी। और मैं गुजरात में दो जिले का प्रभारी था, तो मैंने वहां पे, मैं एक ही होटल में हम लोग रुके थे, राजनाथ सिंह जी भी उसी होटल में, सूर्या होटल में रुके थे, और हम भी सूर्या होटल में रुके हुए थे बड़ोदरा में। मैं वहां पे देखा था कि नरेंद्र मोदी जी कैसे इनके आगे पीछे घूमते थे, जो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था आज उसकी मजबूरी है कि वो तीसरी पंक्ति में खड़ा है। तो ये राजनाथ सिंह की मजबूरी है बोलने के लिए। दूसरी चीज इमरजेंसी की बात करते हैं, तो इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस पर खेद जता चुका है, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता ने माना है कि ये गलती हुई थी हमसे, लेकिन जो आज इमरजेंसी लगी है क्या उसको राजनाथ सिंह या भाजपा मानेगी? सोनिया गांधी जी ने जो कहा है क्या गलत कहा है? क्या भाजपा के ही दो नेता है ना, एक मंत्री है और एक नेता ने, दो बार तो दो बयान आ चुके हैं ना कि 400 हमको पार कराइए, देखिए हम संविधान बदल देंगे। ये हम थोड़े नहीं कह रहे भाई, ये आपके नेता ही कह रहे हैं ना, उन नेताओं के कहने के आधार पे हम ये मान के चलते हैं कि आप जो है 400 अगर मिल जाएगा सीट तो संविधान बदल दोगे।
आप अपने घर में जाके देखिए ना कि आप लोग जो प्लानिंग करते हो वो प्लानिंग बाहर आ जाती है, उस प्लानिंग को छुपा के रखते हैं तो हम नहीं बोलते। भरत सिंह जी, जब ये कहा जाता है कि तीसरी मर्तबा अगर मोदी जी आ गए नंबर एक चुनाव नहीं होंगे, ऐसा निर्मला सीतारमन जी के पतिदेव ने कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी डिक्टेटर हैं, उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है और अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर कहा है, हर जगह पे कहा है ना, तो बहुत जगह पे उनके इंटरव्यू देखे हैं हम लोगों ने। तो सर फिर डिक्टेटरशिप कहाँ से हुई अगर उनको अभी पूरी आज़ादी है सब कुछ बोलने की? और आपका जो कांग्रेस का जो हैंडल है वो ये मेरे सामने है, उन्होंने भी उस इंटरव्यू को कैरी किया है, ये भी तो देखिए ना सर प्लीज। तो फिर जी डिक्टेटरशिप कैसे हुई ये जरा बताएं। हो सकता है कि कॉर्पोरेट मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल जो है वो नहीं कैरी कर रहे हैं, नहीं कैरी कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो इनको व्यूज मिल रहे हैं सर, करोड़ों में व्यूज मिल रहे हैं, लोग पता नहीं कितने करोड़ों लोगों ने देखा है, ये बताएं सर। भरत सिंह जी देखिए, डिक्टेटरशिप क्या होता है, अगर केजरीवाल से पूछिए, आप सोरेन से पूछिए जी, आप संजय जी से पूछिए, आप सिर्फ इल्जाम लगा के उस कानून के तहत अंदर डालते हैं जिसपे, अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या, आप महाराष्ट्र मुंबई में बैठे हैं, कल ही जो है गजानंद कीर्तिकर ने जो वक्तव्य दिया है, आप उससे सहमत हो सकते हैं या नहीं हो सकते हो अपनी बात, लेकिन जब वो सरकार में रह के अगर ये कहता है कि अब सरकार को ईडी और सीबीआई का उपयोग बंद कर देना चाहिए, हमको जितना चाहिए था सब हमारे पास आ गए, अब इसको क्या जरूरत है करने की, ईडी सीबीआई को मुझे लगता है इसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, और ईडी सीबीआई का उपयोग अगर नहीं बंद करेंगे तो हमारी पार्टी को या देश के प्रधानमंत्री को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा जी। इसका मतलब आप समझते हैं जी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक सांसद कह रहा है, वह भी भाजपा को जो समर्थन दिया हुआ है उनकी पार्टी में, उनके मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं वो उनका सांसद प्रतिनिधित्व कह रहा है कि भैया ईडी सीबीआई का जो है वो खौफ डर बंद करिए। वो तो सारे वकील भी कह रहे हैं सर, वो तो बड़े बड़े जितने भी वकील हैं इंक्लूडिंग बीजेपी के जो वकील हैं, वो हरीश सालवे साहब ने भी कहा है ऐसा कुछ कि ये क्या है भाई, नहीं, क्या कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह से देखिए, मैंने फिर कहा कि एक घोषित इमरजेंसी थी, इंदिरा जी ने लगाया था, घोषित इमरजेंसी थी, ये अघोषित इमरजेंसी है। और इसके बाद हम बार बार क्यों कह रहे हैं इसके बाद कि 10 साल हो गए, 10 साल में इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि हम आप थोड़ी बात तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इसके बाद हो सकता है कि हम बात ना कर पाए, आप इस तरह से सवाल न उठा पाए जी। आप अगर उठा दिए तो मुझे लगता है कि हमारा ये शो देखते देखते बीकेसी की पुलिस या कोई भी पुलिस आपके दरवाजे पहुंच जाएगी, और उसके बाद आपको बोल के ये चल आप कैसे चला रहे हैं, तब इसको मानेंगे आप कि इमरजेंसी लग चुकी है, तब आप मानेंगे कि भरत सिंह जेल में बैठे, हम दोनों आप जेल में बैठे, बोले अरे राजीव जी आपने जो बोला सवाल उसका जवाब देने के लिए हमको जो है जेल में हम दोनों को आना पड़ा, तो वहीं पे हमारी जो है सारे इंटरव्यू हो जाएंगे। सर इतने ज्यादा जेल हैं हिंदुस्तान में, इतने ज्यादा जेल हैं हिंदुस्तान में, कहां कहां रखिएगा सबको। मुझे ऐसा लगता है राजीव जी, जो पहले के लड़ाकू थे, जो पहले की जनता थी, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा फील होता है इस देश की जनता को क्या हो गया है, इसकी देश की जनता सहने के लिए तो ठीक है, मुझे पता है कि हम लोग बरसों से सहते हुए आए हैं जी, मुगलों के राज को भी सहा, अंग्रेजों के राज को भी सहा, लेकिन उसी में गांधी, सरदार पटेल, नेहरू जी, ये सब उसी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु उसी समय पैदा हुए थे जी। मगर आज जिस तरह से हमें सहने की आदत पड़ गई है, हम 10 रुपया 12 रुपए का चावल खाते खाते आज जो है 70-80 रुपए पे आ गए हैं, वो जो है 25 रुपए के तेल से हम 200 के तेल पे आ गए, अब जो है 50 रुपए 20 रुपए 30 रुपए जो पेट्रोल मिलता था हम 106 पे आ गए, लेकिन फिर भी हम सहने की आदत जो है ना वो बढ़ते जा रही है, हमारी सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। जी का कहना है कि एमबीए से कोई चैलेंज नहीं है, हमारे लिए एमबीए कोई चैलेंज नहीं है, कोई उनका एक तो आधा कांग्रेस है, नकली शिवसेना है और नकली एनसीपी है, अमित शाह जी का कहना है, बोले इनका कोई लक्ष्य नहीं है, इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई गोल नहीं है महाराष्ट्र के लिए, ये तीनों पार्टी मिलकर भी कुछ भी नहीं कर सकता। आपने सुना होगा अमित शाह जी जिस प्रकार से कल और उससे पहले मोदी जी ने कहा कि ये नकली सेना है। भरत सिंह जी देखिए
देखिए ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री ने और अमित शाह जी ने एक चीज गलती कर दी कि उन्होंने बोलने पर टैक्स नहीं लगाया। अगर वो टैक्स लगा दिए होते शायद अमित शाह इस तरह से नहीं कहते। ये अमित शाह जी को भी पता है कि भाजपा के वो सारे नेता, राजीव जी आप भी जानते होंगे और नामबियार जी आप भी जानते, वो उसी मातोश्री पे जाके माथा टेकते थे और बाला साहब का आशीर्वाद लेते थे। बिना आशीर्वाद लिए कुछ काम ही नहीं होता था इनका जी। तो वो असली शिवसेना थी कि नकली थी, ये अमित शाह से और मोदी से ज्यादा कौन जानता है। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की तारीख में नकली या असली कौन है। तो ये कहना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता किस तरह से विकृत हो चुकी है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे वो अमित शाह जी हो। वो बोलते हैं क्या है बताइए, महाराष्ट्र में आके आप ठाकरे परिवार को ये कहें कि ये नकली है तो असली कौन है भाई, जिसके जो है 18 सीट थी, 18 में से 13 सांसद गए थे, उनको 7 काट के आप जो है 7 पे लेके आ गए। यानी जिसको आप दबा सकते हैं वो असली होता है, जो आपसे दबे नहीं वो नकली होता है जी। तो आपको क्या लगता है सर, 48 में से जहां तक के एमबीए का सवाल है, एमबीए कितनी उम्मीद रख रहे हैं आप जीतने की? देखिए हमारा जो सर्वेक्षण और जो हमने कैलकुलेशन हमारे पास आया हुआ है और पूरा सर्वेक्षण करके जो हमें दिखा रहा है वो 30 सीट के आजू अगल बगल में आएंगे, ज्यादा भी 30 से 32 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 28 से 32 के बीच में हमारी सीट आ रही है। अगर 28 से 32 के बीच में अगर आपकी आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को तकरीबन कोई 20 सीट का नुकसान हो रहा है तकरीबन। मैं पहले भी कह चुका हूं आपको, पहले भी बता चुका हूं कि 20-22 सीट जो है भाजपा यहां से एनडीए जो उनकी सभी घटक दल है मिला के 20-22 सीट उनको नुकसान हो रहा है। और वो कहते हैं कि जो नुकसान यहां से होगा अगर हुआ तो वो तमिलनाडु से और केरल से उसको वो मेकअप कर लेंगे। और ये कहते हैं कि तमिलनाडु की 39 यानी 39 सीट्स में से बीजेपी को हो सकता है 15 सीट आ जाए तमिलनाडु। जब आप अपने गढ़ महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में आप अपने आप को बचा नहीं पा रहे हो, नया एक सर्वे आया है CDS करके, जो सर्वे आया है उसमें महंगाई 27% दिखाया है, बेरोजगारी जो है वो कुछ 22% दिखाया है और मंदिर और इसका मुद्दा 2% दिखाया है। ये 2% पे कितना खेल सकते हैं वो खेल लें, लेकिन तमिलनाडु और साउथ में तो मुझे नहीं पता, 2-4 जगह का विजुअल में देखा, मेरे पास 2-4 जगह का आया था कि भाजपा के लोगों को दौड़ा रहे हैं। मैं अमरावती का बता रहा हूँ, नवनीत राणा का जो है कैंपेन का जो है ये जा रहा था, टेम्पो जा रहा था, उसको बोले दिखना मत यहाँ पे, वो विजुअल और वो आवाज क्लियर आ रही थी, दिखना मत यहाँ पे बोले, जल्दी से यहाँ से इस गाँव से निकालो। अब जब उर्धव जी ने एक नारा दिया है अबकी बार तड़ी पार, तो जिस तरह से गांव-गांव में तड़ी पार का आदेश दिया जा रहा है जनता द्वारा, हम लोग नहीं दे रहे हैं, जनता इनको कह रही है कि भैया आप तड़ी पार हो जाओ, तुम लोग यहां से तड़ी पार कर रहे हैं। तो ये स्थिति अगर है तो साउथ में आप क्या स्थिति होगी वो समझ लीजिए, बहुत ही मतलब कर्नाटक जैसे राज्य में इनको 8 सीट मिल रही है, पिछली बार 26 मिली थी, 26 में से 8 सीट आ रही है। हमारा सर्वे जो है ना, उस सर्वे के हिसाब से 8 सीट आ रही है। अब आखिर जहां तमिलनाडु में जो अभी बता रहे हैं ना, वहां पे मैं बता रहा हूं कि इनका कुछ नहीं होने वाला है, ये 150 सीट नहीं क्रॉस कर रहे हैं, भाजपा 150 सीट नहीं क्रॉस कर रही है। चलिए उस दिन भी मैंने आपको कहा था और आज फिर कह रहा हूं 150 नहीं क्रॉस कर रहे हैं। जो CSDS का जो सर्वे है उसमें, लोकनीति CSDS सर्वे जो है उसमें जो इश्यूज लिस्ट किए गए हैं वो ज़्यादातर वही हैं जो कांग्रेस पार्टी रेस कर रही है, लाइक प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, शटिंग डाउन ऑफ बिजनेसेस, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा होता है ना सर कि अगर चलिए नौकरी नहीं है लेकिन सामने दिख रहा है कि आगे जाके मिलेगी तो फिर भी आदमी को उम्मीद रहती है, यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है आज की तारीख में, ये सर्वे कहता है, सर्वेक्षण ऐसा बोलता है। आपको लगता है कि ऐसा है? अगर ये होता नहीं तो ये सर्वे में आता कहां से जी? आज स्थिति बहुत ही भयानक मोड़ पे पहुंच चुकी है। अब धीरे धीरे देश की जनता समझ रही है। आप राजीव जी देखिए, सर्वेक्षण जब करवाया है तो
तो ये 2% जो मंदिर और मस्जिद वाला, ये मंदिर वाला मुद्दा आया है ये, और 370 वाला, ये 2% क्यों होता? ये 27% जाता ना। लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमको राम मंदिर ही चाहिए, हमको जो है भगवान ही चाहिए, हम भगवान के साथ ही रहेंगे, हम काम नहीं करेंगे, भगवान हमारा पेट पाल रहे हैं, हमको सब कर। नहीं, ठीक है, भगवान का आस्था होना चाहिए, हम ही हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो आस्था अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये भी सही है, सबसे बड़ा कटु सच्चाई है कि पेट भरने के लिए काम की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, वो जो नहीं है इस समय। देश एकदम चरमरा चुका है, लेकिन भाजपा जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ अंधभक्ति के लिए या लोगों को बरगला के रखने के लिए वो बना है। मैं आईबी रिपोर्ट, आपको शायद आपके पास होगा जानकारी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आईबी रिपोर्ट जो है उनकी, ये मोदी जी को बता दी गई है कि सरकार हमारी नहीं बन रही है आज तक। ये जो पहला चरण 19 तारीख को जो चुनाव है पहले चरण में, उसमें हम विदर्भ जो हमारी सीटें हैं, विदर्भ में करीब से 4 सीटें हम विदर्भ में लेके आ रहे हैं, 4 से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है। मायावती उधर फुल कैंपेन चालू कर दिया है भरत सिंह जी, मायावती पिछले 2 दिन से लगातार पूरे विदर्भ में, और जब भी मायावती वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़ा कर दिया है, आपको बहुत नुकसान हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ ये आप सच कह रहे हैं कि पहले मायावती जी की स्थिति कुछ और थी, अब ये समझ गए हैं कि ये जो है ओट कटुआ पार्टी हो गई है मायावती। मायावती के ऊपर भरोसा नहीं रह गया दलित समाज को, एकदम भरोसा नहीं रह गया। आज दलित समाज कहता है कि मायावती जी आपकी जरूरत है, और मायावती 5 साल के बाद जो है वो निकलती है बिल से बाहर और खड़ा करती है कैंडिडेट। तो ये सबको पता है कि मायावती किसके कहने पे चल रही है, ये विदर्भ की जनता ये समझ रही है, जान रही है, और यही वजह है कि वहां पे प्रचंड जो है वो लहर चल रही है कांग्रेस और एमबीए की। क्या यही लॉजिक प्रकाश अंबेडकर जी पे भी डालता है? क्या प्रकाश अंबेडकर जी के ऊपर भी यही लॉजिक लागू होता है? सर देखिए, प्रकाश जी एक बड़े नेता है, प्रकाश जी एक बड़े नेता है, इसको हम मानते हैं, लेकिन प्रकाश जी को ये समझना चाहिए था, जब वो जानते हैं कि ये संविधान को किसने लिखा, किसने बनाया, उनके पोते हैं, और उस संविधान को खतरे में कहने वाले प्रकाश जी हैं। पहला अगर कोई आवाज इस मुंबई में ना, इस महाराष्ट्र में उठाया था, तो पिछले 1 साल से प्रकाश जी बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अगर आपका परिवार जिसने ये संविधान बनाया वो खतरे में है, तो मुझे लगता है प्रकाश जी को ये बड़ा दिल दिखाते हुए, एक सीट भी नहीं मिलेगी ना राजू भाई, एक सीट भी अगर मुझे नहीं मिलेगी तो भी मैं संविधान बचाने के लिए एमबीए के साथ खड़ा हूं। अगर मैंने अगला सवाल पूछ लिया तो बहुत लंबा हो जाएगा डिस्कशन। भरत सिंह जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी आपको, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। With a very confident Congress, but I don't suppose they can say anything else, can they? Let's go straight across to our friend Mr. Pankaj Modi of the BJP. Pankaj Modi saab, namaskar. Namaskar. Sir, aapko Baisakhi ki bahut bahut shubhkamnaye, Bihu ki bahut bahut shubhkamnaye, Vishu ki bahut bahut shubhkamnaye, Baishakh ki bahut bahut shubhkamnaye, aur Odisha mein jo festival hota hai, Palak jo hota hai, uski bahut bahut shubhkamnaye. Aaj to zabardast hai sir, aur 5va din hai Navratri ka. जय माता दी सर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आप लोग को भी नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सर, पंकज मोदी साहब ये बताएं, कांग्रेस से जब भी हम बात करते हैं, कांग्रेस यही कहती है कि यार जब भी भारतीय जनता पार्टी से जो भी सवाल पूछ लो, अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल पूछ लो, बिजनेस शटिंग डाउन का सवाल पूछ लो, जो हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स हैं, HNI इंडिविजुअल्स जिनको कहते हैं, हाई नेटवर्थ के जो इंडिविजुअल्स हैं, हाई नेट इनकम के जो इंडिविजुअल्स हैं, वो 2 लाख के करीब उन्होंने अपने पासपोर्ट चेंज कर लिए, बाहर चले गए वगैरह वगैरह, हमेशा भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में जवाब देती है। क्या ये सच है सर, बताएं? जी बिल्कुल नहीं है। हिंदू मुसलमान का इशू आप देखिएगा, ज्यादातर विपक्ष के नेता लोग कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि उनके इंडिया अलायंस के नेता तेजस्वी यादव नवरात्र में जानबूझकर हिंदुओं के भावनाओं को आहत करने के लिए मछली का वीडियो करते हैं। भले ही उसमें उन्होंने 8 तारीख का डेट डाल दिया था, लेकिन उन्होंने पोस्ट किया 9 तारीख को जानबूझकर ये करने के लिए, क्योंकि हिंदुओं की किसी तरह आहत हो भावना। और दूसरी बात, उन्होंने जितने सारे बाहुबली और अपने पैसे के दम पर जीतने वाले उतारे हैं, उन्होंने जितने को टिकट दिया है वो आज जनता के सामने, तो ये सब बहकाने के लिए हिंदू मुसलमान का काम ज्यादातर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल करते हैं। बीजेपी का
कभी भी मसला हिंदू मुसलमान में बांटने का नहीं। बाहुबली तो आपके साथ भी हैं, बाहुबली तो आपके साथ भी हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह आपके साथ हैं, ब्रजेश सिंह आपके साथ हैं, वेस्ट बंगाल में अर्जुन सिंह जी जो अभी तक टीएमसी में थे, बहुत पहले बीजेपी में थे, फिर टीएमसी में चले गए, अब वापस आ गए। तो बाहुबली तो हर जगह होते हैं सर, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताएं, सीएसडीएस का भी नया सर्वे आया है, सीएसडीएस लोक नीति का नया सर्वे आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में रहेगा वो अनएम्प्लॉयमेंट का रहेगा, लैक ऑफ मनी का रहेगा, लोगों की जो गरीबी है उसका रहेगा। इस विषय में आप क्या कहेंगे सर, बताएं। महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि जनता जान रही है कि उन्होंने कोविड के टाइम में मोदी जी ने सबको फ्री में राशन दिया था, अभी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उसके अलावा भी 5 साल तक गरीबों को और भी हम अनाज दे रहे हैं, तो महंगाई का मुद्दा तो कहीं है ही नहीं। महंगाई बहुत कम दर से बढ़ रही है, और दूसरी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। स्टार्टअप में अभी टॉप में हम लोग जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अभी रक्षा क्षेत्र में भी हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रोथ कर रही है। तो महंगाई मुद्दा नहीं, मुद्दा इस बार विकास का मुद्दा है। महंगाई इस बार का चुनाव का मुद्दा बेसिकली मोदी जी को 2047 का जो उन्होंने लक्ष्य दिया है कि देश को समृद्ध बनाने का, देश को शक्तिशाली बनाने का, देश को विकसित बनाने का, वो मुद्दा देश की जनता हाथों हाथ ले रही है। अब ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त पेट्रोल जो था वो 57 रुपए का था, आज की तारीख में 106 रुपए पर लीटर हो गया मुंबई शहर में। तो सर महंगाई तो बढ़ी ना अपने आप, पंकज मोदी साहब तो 10 साल में तो बढ़ने की स्थिति यही तो रहेगी सर। एक एवरेज देखा जाए तो 10 साल हो गए मनमोहन सिंह को गए हुए, इसी को तो समझना पड़ेगा सर। वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये कहा गया था कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की, आज की तारीख में डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त जो थी उससे कहीं कम है, ऐसा कहा गया था। तो और ऐसा अभी भी है वैसे अगर प्राइसेस को कंपेयर करें, लेकिन फिर भी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस, ये भी कहा गया है आप इसलिए ऊपर रख रहे हैं क्योंकि उससे जो एक्साइज आपको मिलता है, क्योंकि जीएसटी पेट्रोल और डीजल पर नहीं लगता है, उस पर वीएटी लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, और उस टैक्स की वजह से आपकी जो बाकी स्कीम्स जो हैं, जैसे 80 करोड़ लोगों को खाना देना, बाकी सब देना, वो उससे फाइनेंस होती हैं। तो इसलिए पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस आप कम नहीं कर सकते। इसको लेकर के विपक्ष जो है वो काफ़ी उत्साहित है और ये कह रहा है कि भाई ये देखिए 106 रुपए का पेट्रोल कर दिया आप लोगों ने, पंकज मोदी साहब। नहीं तो 10 साल के कंपेयर में अगर आप देखें तो सबकी इनकम भी बढ़ी है उसी हिसाब से, तो पेट्रोल डीजल का इशू है ही नहीं देश में। देश की जनता समझ रही है कि देश को विकसित करने के लिए जो भी योगदान वो दे सकते हैं, तो उसी को इशू बना ही नहीं रही। और देश को बहुत सारी योजना, जैसे आपने बोला कि उज्ज्वला योजना हो चाहे किसान सम्मान निधि हो, तो बहुत सारी स्कीम को लेकर बैलेंस करके चलने वाली चीजें हैं और देश इसी हिसाब से प्रगति करता है, तो इस चीज को जनता समझती है। ये कोई मुद्दा नहीं, देश के ये समझ रहा है कि 2047 में देश को विकसित बनाना है, इस लक्ष्य में मोदी जी ने एक रोड मैप दिया है, उसमें चलने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। पंकज मोदी जी, मगर राहुल गांधी जी जिस प्रकार से न्याय पत्र उन्होंने अपने मैनिफेस्टो उजागर करे, उस मैनिफेस्टो में कहा कि 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस, 5 न्याय राहुल गांधी गारंटी, 25 गारंटी। राहुल गांधी का 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस, 5 न्याय भी देंगे और 25 गारंटी ने कहा, जिसमें हाथ बदलेगा हालात, ये उनका टैगलाइन और स्लोगन है कि हाथ बदलेगा हालात। और अलग अलग स्कीम्स लाए, फार्मर्स को लाए, युवाओं को लेके आए, यू नो महिलाओं को, खासकर जो महालक्ष्मी योजना है 1 लाख रुपया पर महिला पर साल, वो एक लैंडमार्क एक पॉलिसी है योजना, अगर क्या वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ये सर? हाउ डज बीजेपी सी इट मोदी जी? मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा जब वो न्याय पत्र का वो लॉन्च कर रहे थे, दोनों बीच में बैठे हुए थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, साइड में बैठी हुई थी सोनिया गांधी और एक साइड बैठे हुए थे राहुल गांधी। जब उन्होंने पानी का ग्लास लिया था और उन्होंने दोनों से पूछा, किसी ने दोनों ने इशारे किया नहीं चाहिए, तो एक दलित कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ से ये पानी नहीं पीते और न्याय पत्र की बात करते हैं। और जहां तक ये बात है, ये बिल्कुल गलतफहमी में जी रहे हैं कि वो 1 लाख रुपया देकर और जनता को भ्रमित कर देंगे। देश की जनता, देश की महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से स्वावलंबी बन रही है और वो जान रही है कि ये इनका एक लॉलीपॉप वाला जो कल्चर शुरू से रहा है वही स्थिति को लेकर आगे चल रहे हैं, तो जनता उनकी बहकावे में आने वाली नहीं है। वो सिर्फ अपना प्रपंच अपने हिसाब से कर रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांटने का उनका जो कल्चर शुरू किया है उन्होंने कुछ दिनों से, उसी को आगे बढ़ा रहा है। तो जनता इस चीज को समझती है कि
देश को न्याय या देश को प्रगति बीजेपी कर सकती है, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं रहेगा। कांग्रेस बहुत कम स्तर पे पहुंच गई है इस बार चुनाव में। आपको क्या लगता है कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी सर इस बार? मोदी जी कहते हैं शायद 30 और 35 भी पार ना कर पाए, ऐसा है क्या? जी मेरा भी अनुमान 30-40 तक का ही है, उससे ज्यादा तो क्रॉस कर ही नहीं पाएगी। 30 या 40, क्या बात है सर। और बीजेपी कितनी सर, 370, 400, 450 कितनी? नहीं 370 टच करेंगे हम लोग और एनडीए 400 क्रॉस करेंगे। 370 आप टच करेंगे जी, क्या बात है सर, जबरदस्त। तो हम तो 1.5 साल से कह रहे हैं कि 325 और 330 कहीं कहीं नहीं कहीं, लेकिन अगर 370 हो जाए तो बड़ा करिश्मा हो जाएगा। लेकिन तो मुझे 1.5 साल नहीं, 1 मिनट, 1.5 साल के बाद बहुत सारी चीजें देश में हुई है, जैसे राम मंदिर का मुद्दा हुआ है, ये सब चीजें हुई है, तो देश की जनता हमें आगे बढ़ने पे हमेशा योगदान देगी। तो 370 का जो हमारा लक्ष्य है, जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसे हम लोग पूरा कर लेंगे। तो मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विषय है उस पर, उसको लेकर के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चुनाव पर, आपका ये मानना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सबसे एक चीज आप नोटिस करेंगे, सारी पार्टियों ने लिया है, सब ने और नो डाउट सबने लिया, और उसका दो पार्टी को छोड़ के सर, दो पार्टी को छोड़ के, मत भूलिए, दो पार्टी को छोड़ के, सीपीआई और सीपीआईएम को छोड़ के, बाकी सब पार्टीज ने लिया है, करेक्ट? हाँ, हाँ, तो इसका मैं कहना चाहूंगा, तो ये तो बेसिकली एक लेकर आया गया था कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए चुनाव में यूज ना हो, इसके लिए लाया गया था। इसका इस्तेमाल सब पार्टियों ने किया, बाद में इन्होंने चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है, लेकिन जनता इस चीज को समझती है कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। सबने सबको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसे दिए गए हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड के थ्रू दिए गए हैं, सबका इन्फॉर्मेशन है, सबका डेटा है, तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। नफरत की राजनीति, राहुल गांधी जी का कहना है कि नफरत की राजनीति, ये लड़ाई नफरत की विचारधारा के खिलाफ, ये संघर्ष है कांग्रेस का, कांग्रेस का प्यार और मोहब्बत के दुकान जो बार बार हर गली हर गांव हर शहर में, राहुल गांधी जी ये तो कहते हुए उन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड जो आप चर्चा कर रहे थे इज अ बिग इशू, ये इंटरनेशनल वसूली रैकेट है। राहुल गांधी जी का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंटरनेशनल वसूली रैकेट है, आप नेशनल और इंटरनेशनल उद्योगपतियों को कॉन्ट्रैक्ट देते हो, कॉन्ट्रैक्ट से चंदा ले लेते हो, किकबैक्स, जो राहुल गांधी जी का कहना है। आगे जाकर कह रहा दूसरा तरीका है, आप उद्योगपतियों के पीछे सेंट्रल एजेंसीज को छोड़ देते, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, और फिर वहां से वसूली कर रहे, तो ये आपको एक्सपोज करेंगे राहुल गांधी जी पूरे देश में, जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आप लोग जिस प्रकार से यू नो यू एक्यूमुलेटेड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वेल्थ, उस चीज को राहुल गांधी एक्सपोर्ट करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, फर्क पड़ेगा पंकज मुंडे? जो, जो 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 राहुल गांधी खुद जमानत पे बाहर हैं नेशनल हेराल्ड केस में, वो ज्ञान दे रहे हैं कि वो मतलब नफरत की राजनीति और सिखा रहे हैं हमें, जरा सा वो अपनी पार्टी के पुराने जरा देख के दिखे, उन्होंने नरसिंह राव को किस तरह से उनके शव को पार्टी ऑफिस में नहीं आने दिया था, सीताराम येचुरी को कैसे उन्होंने पार्टी अध्यक्ष होने के बाद बाहर से निकाला था, तो नफरत की राजनीति शुरू से कांग्रेस पार्टी का ही रहा है। सर सीताराम केसरी, सीताराम केसरी जी को जिस तरह से उन्होंने पार्टी अध्यक्ष होने के बावजूद भी जैसे इलेक्टेड पार्टी प्रेसिडेंट, ये भी दर्शकों को मैं बता दूं, सीताराम केसरी वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, दैट इज द कांग्रेस पार्टी, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। लेकिन सर ये कांग्रेस की तो परंपरा रही है, जब भी इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शन का रिजल्ट माना नहीं गया, पता भी सीतारमैया को हरा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने कहा कि पता भी सीतारमैया की डिफीट जो है, हार जो है वो मेरी हार है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, नफरत की राजनीति तो ये कांग्रेस पार्टी की शुरू से विचारधारा रही है, तो इस चीज में हम लोग को ज्ञान ना दे, वो अपने गिरेवान में जाके तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सर इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो आपके भी नहीं है, वो भी तो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट है ना, जेपी नड्डा साहब, आपके भी कहां इलेक्टेड प्रेसिडेंट है सर, उनको भी तो एक्सटेंशन दी गई है ना, दो टर्म उनके हो गए हैं, तीसरी टर्म की एक्सटेंशन दी गई है लोकसभा चुनाव तक, तो लोकसभा चुनाव के लिए उनका एक सिस्टम अभी एक हमारी तरीके से काम हो रही थी, उस चीज को आगे बढ़ाया गया है, तो हमारा हर, लेकिन आप ये नोटिस करेंगे हमारे कौन से अध्यक्ष होंगे ये किसी को पता नहीं होता है, बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा ये पहले से सबको पता होता है, तो इस चीज को समझिए। आगे तो अब प्लानिंग चल रही है प्रियंका वाड्रा के दोनों बच्चों को आगे लॉन्च करने की, तो इस चीज में आप क्या कहा है? अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए सर,
नई पीढ़ी को आना चाहिए, लेकिन वंशवाद की पीढ़ी को तो नहीं आना चाहिए कम से कम। कांग्रेस पार्टी में और भी बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। सर, एज निर्मला सीतारमन जी टोल्ड सेड इन एन इंटरव्यू टू आई थिंक टाइम्स नाउ, कि उन्होंने कहा कि भाई 9-9, 10-10 सीबीआई के केस हैं जिनके खिलाफ, दे आर ऑल्सो वेलकम इन द बीजेपी, सो शी सेड आवर डोर्स आर ओपन, ऑल आर वेलकम। तो आई थिंक ऑल शुड बी मेड वेलकम। सर आपको मैं भेज देता हूँ, आई विल सेंड यू दैट। जी जी, मैंने भी देखा है, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं था, वो कह रहे थे पार्टी में सबका स्वागत है, उन लोगों का जो देश के विकास में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनका ये कभी नहीं, एक भी उन्होंने वर्ड में ये नहीं कहा है कि जिनपे केसेस हैं उनका स्वागत है। इंटरव्यूअर ने पूछा, नाविका कुमार जी ने पूछा, नाविका कुमार वाज द इंटरव्यूअर, उन्होंने पूछा कि जिनके खिलाफ, एंड आई रिमेम्बर द स्पेसिफिक, जिनके खिलाफ 9-9 सीबीआई केसेस हैं उनका भी स्वागत है, क्या वो भी वेलकम है? निर्मला सीतारमन जी ने कहा ऑल आर वेलकम। नहीं, ऑल आर वेलकम, सबका स्वागत है, इसका ये नहीं कि 9 का जिनपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनका भी स्वागत है। उनका कहना था कि जो देश के विकास में आगे बढ़ने का स्वागत है। सर इसके, सर ये तो वो क्या है कि ये रोड ब्लॉक हो जाएगा, इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, मैं वो आपको भेज देता हूँ, दोबारा देख लेना। प्रदीप जी आपको पंकज मोदी जी, मणिपुर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कोई सोल्यूशन, कांग्रेस का कहना है नथिंग सीम्स टू बी कमिंग, जहां मणिपुर का सिचुएशन है, बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज फेल्ड, दैट इज व्हाट द कांग्रेस इज, कांग्रेस के पास सोल्यूशन है इस न्याय पत्र में लिखा, वील अपॉइंट रिकंसिलिएशन कमीशन फॉर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट ऑफ मणिपुर, एंड द फर्स्ट थिंग ऑन पावर, पावर में आने के बाद इस मणिपुर सरकार को बर्खास्त करेंगे, दे विल डिसमिस दिस पर्टिकुलर मणिपुर गवर्नमेंट, दे हैव गॉट सॉल्यूशंस, दे आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस इन मणिपुर। पंकज मोदी साहब, यू डोंट हैव अ सॉल्यूशन। नफरत की राजनीति करने का शुरू से कांग्रेस का एक विचारधारा रही है। आप मणिपुर में भी जब वो राहुल गांधी गए तो बेसिकली उन्होंने हिंसा फैलाने की कोशिश की, न कि समाज को शांत करने की कोशिश की। जब मणिपुर की हिंसा हुई तो गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बहुत बार मणिपुर के मुख्यमंत्री और मणिपुर के लोगों से अपील की गई और शांति को व्यवस्थित किया गया, और जब शांति की तरफ मणिपुर आगे बढ़ रहा था तो फिर राहुल गांधी जाकर उन्होंने आग में घी डालने की कोशिश की। तो नफरत की राजनीति शुरू से ही कांग्रेस की सोच रही है। तो अब जहां 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 दिक्कत हो रही है, जहां जहां एक हिंसा का माहौल है, अभी हाल फिलहाल में अपने राहुल गांधी को सुना होगा कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो देश में आग लग जाएगी, तो ये आग लगाने की इन्होंने पहले से चेष्टा कर रखी है कि किस तरह से आग लगानी है। तो इसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन लेगी। आपसे एक सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है, जो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह साहब जी, और मणिपुर में जो वास्तविकता जो चल रही है, वास्तविकता में क्या चल रहा है उसके बारे में सच क्यों नहीं बोलते सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब मेरी समझ के बाहर है, why are they trying to hide? मेरा ये कहना है क्योंकि सच जो है सर इतना भयानक है कि आज की तारीख में, एंड आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक ओवर हियर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो प्रशंसनीय है। मैं सीधा बोल रहा हूँ आपको सर, मणिपुर में जो अभी स्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थिति है। इतना बड़ा वहाँ पे नरकोटिक्स का और टेररिज्म का और चाइनीज इंटरवेंशन रोकने के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी भारत सरकार ने मुहिम चलाई है। मेरा ये कहना है कि जनता को अगर आप सच बताएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि बीरेंद्र सिंह साहब को अभी तक क्यों बर्खास्त नहीं किया गया है, उनकी जगह पर क्यों किसको, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है, लेट्स बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट इन गवर्नमेंट, आई एम जस्ट अ जर्नलिस्ट, मुझे मालूम नहीं है क्या मजबूरी है, शायद इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने बोला होगा कि सर इसके बारे में ना बताइए अभी क्योंकि हमारा ऑपरेशन चल रहा है, जब ऑपरेशन चल रहा होता तो उसके डिटेल नहीं दिए जाते। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर किसी को जरा सी भी नॉलेज है मणिपुर के बारे में और वहाँ पर ड्रग कार्टल्स जो हैं, जो गैंग्स हैं म्यांमार से, चाइना से, मणिपुर से, म्यांमार यानी बर्मा और बांग्लादेश से, जिस प्रकार वहां पर काम कर रहे थे उनको रोकने की चेष्टा की गई, प्रयत्न किया गया उनको रोकने का, उसमें यह हिंसा हुई है, लिहाजा अभी भी वो ऑपरेशन चल रहा है। तो ये बोलते क्यों नहीं है सर आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मोदी साहब ये बताइए लोगों को, लोग समझेंगे और लोग सपोर्ट करेंगे आपको। जी राजेश सर, आपने जनता की बात ही की, जनता जो समझ रही है वहां मणिपुर की, और वो वही बात आपने दोहराई है, इस चीज का मैं आपके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और मणिपुर की जनता हो चाहे देश का कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी कार्यकर्ता हो या मणिपुर के लोग इस चीज को समझ रहे हैं, और जो मणिपुर बहुत दलदल में फंसा हुआ था बहुत जल्दी बाहर निकलने वाला है, इस चीज का आश्वासन प्रधानमंत्री ने भी दिया है और वहां के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी भी ने दिया है, और ये बहुत जल्दी ही मणिपुर जो अपने पुराने जो उनके कुकर्म है कांग्रेस के उससे बाहर निकलकर एक अच्छे देश को प्रगति में आगे बढ़ेगी, मुझे ऐसा। मोदी साहब, पंकज मोदी जी, कांग्रेस जिस प्रकार से राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में जिस प्रकार से भर्ती भरोसा 30 लाख 33 लाख जो आपने वैकेंसीज फिलअप नहीं किए राहुल गांधी फिलअप करेगा, पहली नौकरी पक्की, एक बहुत जबरदस्त स्कीम है, 1 लाख जो बच्चे ग्रेजुएट करके बाहर निकलते हैं उनको कंफर्म 1 साल तक करीबन करोड़ों बच्चों को वो इनकम एम्प्लॉयमेंट प्रदान करेंगे, पेपर लीक पर से मुक्ति जो यूपी में चल रहा है, जब जहां जहां एमएसपी फार्मर्स उसको ले कानून बना रहे हैं, जहां आपको मराठा रिजर्वेशन 50% अटक रहा है, राहुल गांधी सेज ही विल ब्रिंग अ लॉ दैट विल एमेंड 50% से ज्यादा रिजर्वेशन वो दे देंगे, मींस कॉन्स्टिट्यूशनली दे देंगे, तो ये जहां जहां आपके डिफिशियंसी है वहां राहुल गांधी एक प्लान लेके आया। तो क्या ये आपको लग रहा है ये पूरे जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला वो पूरे ईस्ट टू वेस्ट एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा उस क्षेत्र में जहां आपने हमेशा अच्छा मार्जिन से जीता है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो पूरी तरीके से एकदम अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स उन्होंने की है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आरक्षण में हो, चाहे वो सांप्रदायिक हो, हर जगह देखें आपको, कभी आप उनके पूरे मैनिफेस्टो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो पहले के मुस्लिम लीग थे उनका ही मैनिफेस्टो तो उन्होंने क्या कहते हैं बिल्कुल छाप दिया है। तो वो बेसिकली अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और हमारा सोच बिल्कुल अपीजमेंट का नहीं, हम देश को विकसित बनाने के मार्ग पे चढ़े हुए हैं, तो हम चाह रहे देश के हर तबके को विकास मिले, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतकर हम लोग आगे बढ़े। तो वो उनकी जो न्याय पत्र और मैनिफेस्टो है वो बेसिकली झूठ का फुलौंदा है, और वो बेसिकली अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वो आगे बढ़ा रही है, वो मुफ्त की रेवड़ी बांटने के कल्चर को आगे बढ़ा रही है जिसका खमियाजा भविष्य में हो सकता है। तो इसके लिए जनता अब समझदार हो गई है, उनको समझ में आ गया है कि मुफ्त की चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, विकास को अगर आगे बढ़ाना है तो बहुत सारी चीजों को हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसके लिए जनता एकदम एकजुट होकर इस बार बीजेपी को एक मुश्त वोट देगी और हम लोग 370 क्रॉस करेंगे। 370 क्रॉस करेंगे, क्या बात है साहब। और महाराष्ट्र में कितनी आने वाली है सर? महाराष्ट्र में हम लोग 44 से 45 सीटें लेकर आएंगे। 44 से 45। और अभी अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि आपको तो 15 सीटें भी नहीं आने वाली। वो अपने पार्टी को जरा पहले संभाले, कांग्रेस के मित्र हमारे। अभी हाल ही में उनके जो मुंबई के अध्यक्ष है बरसाताई, वो उनकी आला कमान में शिकायत की है कि जो यहाँ के पार्टी अध्यक्ष है महाराष्ट्र के नाना पटोले साहब मनमानी करके टिकट बांट रहे हैं, तो अपनी पार्टी को देख ले पहले। जो उनके मुंबई के खुद अध्यक्ष हैं जो टिकट मांग रहे हैं उनको टिकट मिला ही नहीं, तो और अपने अपने हिसाब से टिकट बांट दिया। संजय नूरपम अलग ही लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस के अभी दो प्रवक्ता हमारे पार्टी में ज्वाइन किए हैं, तो उन्होंने भी जिस तरह से बकिया उधेड़ी है कि उनका कल्चर किस तरह से है कांग्रेस का, और वो किस तरीके से राम मंदिर के खिलाफ हो, चाहे एक उनका लेफ्ट का जो विचारधारा है उसको लेकर आगे चल रहे हैं, तो अभी अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता लोग हैं पहले अपने पुराने प्रवक्ताओं के बयान देख लें जो अभी हमारे पास ज्वाइन किए हैं, छोड़ के भी जा रहे हैं जी वही, और उनके नेताओं को जो अभी हाल फिलहाल का बयान देख लें तो हमसे वो हमारे साथ ही हुआ सर, वो तो हमारे साथ हुआ, एक दिन यहीं पर थे, एक शनिवार को हमारे साथ थे और सोमवार को वो चले गए शिंदे साहब के पास, ये हमारे साथ हुआ है। तो कांग्रेस की बड़ी तारीफ कर रहे थे और अगले दिन मंडे को कहीं और चले गए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ चलते चलते ये भी बता दें, अगर सिर्फ महाराष्ट्र की ही बात करें कि एनसीपी को सर आप सिर्फ 4 या 5 सीटें दे रहे हैं और उधर शिंदे साहब को सिर्फ 8 या 10 सीटें दे रहे हैं। मैं सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बेचारे बड़े अपमानित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, ये क्या हो रहा है, सारी सीटें तो बीजेपी लेके जा रही है। हमारी सीटें अभी जो कबटवार हो रहा है बेसिकली सबको सम्मानजनक सीटें दी जा रही है, और बेसिकली ये सोच कर दिया जा रहा है कि जो भी जीतने वाले कैंडिडेट हैं मोदी जी का जो 400 का लक्ष्य है एनडीए को क्रॉस करने का उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें किसी का 1 सीट 2 सीट आगे पीछे से कोई किसी को इश्यू हो ही नहीं रहा है। सब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह एनडीए जो हमारा लक्ष्य 400 पार का वो पार हो, और सबको सम्मानजनक तरीके से, चाहे वो एनसीपी हो हमारी सहयोगी दल, चाहे एनसीपी से ना हो, दोनों सहयोगी दल को हम लोग बहुत अच्छे से साथ लेकर चल रहे हैं। और एक बड़े भाई के नाते हमारी पार्टी हमेशा
छोटे भाइयों का ध्यान रखिए, शुरू से आप देखेंगे हमारा एनडीए का ये कल्चर रहा है। तो जैसे आपने शिवसेना का ध्यान रखा, बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे साथी दल इस चीज को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, तो वो इस चीज को इशू नहीं बन समझेंगे। और आप अभी ख्याल रख रहे हैं बहुत ज्यादा बहुजन समाज पार्टी का भी और प्रकाश अम्बेडकर साहब की वंचित बहुजन अघाड़ी का भी, आप बहुत ख्याल रखा हुआ है आपने उनका भी। तो मायावती और जैसे बजाज साहब कह रहे हैं, मायावती और प्रकाश अम्बेडकर जी विदर्भ मराठवाड़ा और अलग अलग जगह आपका काम ऑलरेडी कर चुका जी। नहीं, बीजेपी शुरू से दलितों के साथ रही है। पिछले हमारे जो राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी थे, या फिर अभी आदिवासी हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी हैं, तो इस तरह से हम लोग शुरू से एससी एसटी और दलितों को साथ लेकर चले हैं। तो वो उस क्षेत्र को जो भी रिप्रेजेंट करते हैं वो जानते हैं कि बीजेपी है जो इन लोग को साथ में लेकर चले, तो हमारा साथ दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। इस चीज को अगर विकास से सहयोग दे रहे हैं सब मिलकर, तो अच्छी बात है। मतलब आपका साथ इस तरीके से दे रहे हैं कि वो भरसक कोशिश में है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस के वोट कटें और विदर्भ में 11 की 11 सीटें एक बार फिर आपकी झोली में आए, लग ऐसा रहा है वही होने वाला है, होने वाला भी ऐसा ही है। हमारा 44-45 का जो लक्ष्य है उसमें तो जो भी सहयोग देगा हम उनका स्वागत ही करेंगे। क्या बात है, हो सकता है कि प्रकाश अम्बेडकर जी सरकार में भी आ जाएं थोड़ी देर के बाद, ये भी हो सकता है। सुप्रिया सुले जी ने आप प्रकाश अम्बेडकर को, एक मैं बोलना चाहूंगा जरा, प्रकाश अम्बेडकर को जिस तरह से शिवसेना के संजय राउत ने जिस तरह से बातें की, जिस तरह की उन्होंने बाद में उनकी बातें ट्विटर पे लिखी, तो ये समझने वाली बात है दलित समाज को भी कि शिवसेना हो चाहे कांग्रेस हो चाहे इंडिया अलायंस हो, वो सिर्फ ना दलित समाज को यूज एंड थ्रो करने का एक प्रयास कर रहे हैं, तो इसके बहकावे में कोई भी ना है। और वो प्रकाश अम्बेडकर जी ने सही समय पे इस चीज का निर्णय ले लिया, ये एक स्वागत योग्य कदम था। प्रदीप जी, सुप्रिया सुले जी ने कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस है इस देश में और जो आप लोग पोर्ट्रेट कर रहे हो बिल्कुल गलत है। एग्जैक्ट सिचुएशन जो है कि लोगों को एक वक्त का रोटी और उनका थाली भर के खाना नहीं मिल रहा है। बोले ऐसा है कि मेन कोर्स मिलता ही नहीं है, आपको एपेटाइजर खाकर पेट भरा तो भरा, पेट नहीं भरा तो नहीं भरा, ये हालत है पूरे महाराष्ट्र पूरे देश का और रूरल इंडिया का। सुप्रिया सुले जी ने कास्टिगेट किया है, आलोचना की है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज का, गरीब लोगों को पेट भर का खाना भी नहीं मिल रहा है। गरीब लोग के लिए अब प्रधानमंत्री जी ने 5 सालों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था कर रखी है। तो सुप्रिया जी सुले जी का जो सोचना है उनकी पार्टी में दिक्कत हो रही है, जरा आप उनकी अपनी पार्टी में देखें क्यों किस तरीके से वो भ्रष्टाचार में पूरी पार्टी लिप्त थी, तो उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है। तो वो समझे अपने पर्सनल चीजों को, वो पब्लिकली ना बोले कि पब्लिक को हो रही है। अभी वो अपनी पार्टी को जिस तरह से बारामती पहल खास करके, तो अभी बारामती की सीट बचा ले यही बहुत बड़ी बात होगी, और बाकी चीजों पर तो राय ना ही दे तो बेटर होगा। राइट, थैंक यू सो मच पंकज मोदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। आपको नवरात्र की एक बार फिर बहुत 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 शुभकामनाएं, आपको बैसाखी की शुभकामनाएं, आप लोग को भी नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, देशवासियों को भी नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता, जय माता दी, थैंक यू। सो द बीजेपी इज क्वाइट हैप्पी एट द फैक्ट दैट द देन मिस्टर प्रकाश अम्बेडकर एंड द बहुजन समाज पार्टी हैव पुट अप कैंडिडेट्स एंड मायावती इज कैंपेनिंग विदर्भ सर, अमेजिंग। अब यूपी तो ठीक है आप कैंपेन करिए, बट यहाँ पर विदर्भ में आके पूरे टोटल कैंपेन, यानी एक पूरे प्लान की तरह चल रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग टू अ प्लान फॉर द बीजेपी। दैट्स राइट, सो दीज आर द फ्रंट रनर्स ऑफ द बीजेपी, दीज आर द कमांडोज ऑफ द बीजेपी हु आर कमिंग ओवर हियर। मायावती अफेक्ट्स विदर्भ, बट प्रकाश अम्बेडकर नॉट ओनली विदर्भ, ही अफेक्ट्स मराठवाड़ा एंड वेरियस अदर रीजंस वेयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। एक एक आप देखोगे लास्ट 2019 के एनालिसिस देखो, मिस्टर अम्बेडकर हैज टेकन मिनिमम 1-3 lakh वोट्स in every constituency where he's fielded candidates. That's right. So and don't underestimate him even in Mumbai. You never know what might happen. Here right. Only against Supriya Suleji he has not fielded a candidate. That's right. But the rest, everywhere he's fielding a candidate. That's right, he is. Let's go straight across to Dr. Surena Malhotra. I think she's with us. Let's go straight across to her. Dr. Malhotra, namaskar. नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग। नवरात्र की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस। बैसाखी की शुभकामनाएं। यस। बिहू की शुभकामनाएं, विशु की शुभकामनाएं। आज तो बहुत फेस्टिवल है साहब, आज और कल के बीच में फेस्टिवल है पूरे पूरे हिंदुस्तान में, ना जाने 13 या 14 है, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टम्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटीज।
That's so amazing, you know, so much of diversity and they are still all together. That's a very remarkable thing, you know. So don't you think that this diversity is part of what Tejasvi Yadav was doing, eating fish on a plane, and Mr. Modi said you can't eat fish? See, it is whatever it is a personal, I think it's a personal the likes and dislikes, and we are in democracy, whatever and somebody wants to do without hurting somebody's sentiments. Then nobody is forcing anybody else to do that. But personally, I think India is a place where you can do whatever you wish to, as long as you don't harm somebody else. That's right. That's right. And I believe Supriya Sule ji's campaign has really taken off and around Baramati. Wow, it's fantastic. You know, people are flocking to her. People are going all gaga over her campaign. Aapko kya khabar hai ji? Woh zara bataye. डेफिनेटली और उनका बहुत जोरों से चालू है बहुत मतलब अच्छी तरह से मतलब अच्छे एग्रेशन से चल रहा है एंड उन्होंने तो काफी राउंड्स भी कंप्लीट किए इसके पहले भी ड्यूरिंग हर टेनर उन्होंने पहले भी अपने प्रचार के राउंड्स कंप्लीट किए थे अभी भी कंप्लीट हुए हैं तो अभी मतलब मेन जैसा उन्होंने बोला है कि मेन चीज है जो कि जो ग्राम के लोग हैं वहां तक हमारा तुतारी का चिन्ह पहुंचना है जहां जहां पे पेंडिंग होगा वहां पे तुतारी का चिन्ह पहुंचाना अभी ये काम मेन रह गया है जो चालू है काम तो बहुत अच्छी तरह से कैंपेनिंग चल रही है काफी लोग जुड़ रहे हैं काफी डॉक्टर्स वकील सब लोग एवरीबॉडी सपोर्टिंग हर एंड वी हैव ग्रेट होप एंड जैसे लोगों के जो इंटरव्यूज भी हम लोग देखते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ ताई ने तो बहुत काम किया है हमारे लिए और हमें जो लोग चाहिए कि जो हमारे लिए कुछ काम करे हमारी आवाज संसद में लेके जाइए हमारे लिए कुछ अच्छे पॉलिसीज बनाए भले उनको आधे लोगों को समझ में नहीं आता उनकी इंग्लिश वहां क्या बोलते हैं मगर उनको गाढ़ विश्वास है कि सुप्रिया ताई हमारी बात संसद में जाके हमारी बात करते हैं इतना उनको कॉन्फिडेंस है और ये ओवर द इयर्स ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है स्प्रेडिंग तो आगे जाके सुप्रिया सुले जी इज वाउचिंग फॉर राहुल गांधी प्यार के प्यार और मोहब्बत के दुकान हर गली हर गली हर गांव हर शहर में नाउ इवन द पोल स्टैटिस्टिक्स सुप्रिया सुले जी इज कोटिंग शोज दैट सेक्युलरिज्म इज गोइंग टू प्रिवेल ओवर दिस काइंड ऑफ हिंदू फंडामेंटलिज्म दैट नरेंद्र मोदी जी इज प्रोपगेटिंग हाउ डू यू सी द कमेंट ऑफ सुप्रिया जी डेफिनेटली आई मीन दिस इज द मेन बेसिस ऑफ आवर पार्टी इंडिया अलायंस ऑल ऑफ देम आर फॉर सेक्युलरिज्म और भारत जोड़ो जो उन्होंने जो राहुल गांधी ने भी जो राज यात्रा की सब लोगों को प्यार से जोड़ने का जो काम किया जो पवार साहब भी सब धर्म के लोगों को एक साथ लेके चलते हैं हमेशा चलते आए हैं और अभी उन ये जो सर्वे है उसमें देखा गया कि अलग अलग स्तर के लोगों ने भी इसको पूरी तरह से इस चीज को सपोर्ट दिया है एंड दे पीपल वॉन्ट दिस It is not only the elite educated people who can think about it, but even the madhyam or the lower circle log hai, unko bhi yahi cheez chahiye. Bhai, sabko bhai chara chahiye. Abhi Eid ho gayi, abhi humne dekha Ramzan mein, kafi tarah ka bhai chara sab jagah pe dekha gaya. Hum Hindu log jaake, iftar parties mein gaye, unke saath ghul mil rahe the. And we saw Supriya ji in Pune. Pune mein wo Eid ke baad. Yes, yes. There was a huge crowd. That I remember. That was a huge, huge crowd. I know. I have shared it on my Twitter, and you know, we are so proud. And such atmosphere should be there in India. India is a place where we can all be together, and this is what. People want all this. People are, you know, tired of all this jatiwad, this jhagde or ye sab, hate politics and all. People don't want this. So, I believe that everybody is now coming out. So, in your opinion, Supriya ji is winning Baramati. Definitely, Supriya ji is winning. Definitely. And abhi maine ye suna hai, I don't know, humne ye suna hai. I could be wrong, I'm not sure. That now Ajit Dada is finding it difficult to face his workers.
अब तो सिर्फ चार या पांच सीट ही मतलब हो गई, मतलब नाउ बीजेपी इज नॉट विलिंग टू टॉक एनीमोर. एग्जैक्टली. I think when they came, when they separated, they had, you know, they had created such a thing that, oh, all so many Amdars, so many, so much of the, you know, the big leaders, everybody is together. So there is like, okay, that is the NCP and nobody can defeat them and things like that. So all that big, big hype was created. And that is now like, Joseph bolte hai na, jo fuga hua balloon ko koi pin maar dewe, to kya hota hai. So it is something like that is happening. But that's a big come down. Because it's a big come down because and considering how? no just hear me out, considering yes. Ajit Dada's image, Ajit Dada Pawar ki image hai of a very strong leader. He is not the kind of person who tolerates nonsense. Let's be very clear. In fact, MBA ki sarkar thi, uske pehle bhi jab wo sarkar mein the to ye kaha jata tha Ajit Dada ki dadagiri, ye kaha jata tha. To wo dadagiri ab shayad khatam ho gayi hai iski wajah se. Is that it? What has happened? I don't know, but it is like being cornered, you know. It is like being cornered. It is like, what can he tell his people, the people who have come there with him? Many of the workers are now coming back. Many have come back, and many people are saying, oh, we don't know now what to do over there, and we want to come back. So this is the impression which we are getting. So I really don't know how much time he's going to, because he's also doesn't tolerate nonsense. But then it's a very pathetic situation. We see him going to maybe he'll come back Delhi all the time, and maybe he'll come back to Sharad Pawar sahab. And Sharad Pawar sahab, being big hearted, will forgive him. Pradeep ji, you know, Dr. Surendra Malhotra, you are from the healthcare, you are associated with healthcare. आयुष्मान भारत, मोदी जी क्लेम, इट इज फंटास्टिक, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. गरीब से गरीब लोगों को टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटीज. ही सेज हमने 2 लाख के ऊपर आरोग्य मंदिर बनाए हैं, और आरोग्य मंदिर पे जो भी गरीब के गरीब लोग वहां जाते हैं, थ्रू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे गेट एक्सपोज टू द मोस्ट ग्लोबल एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स कैन एग्जामिन देम, एंड दे गेटिंग द बेस्ट फैसिलिटीज. दैट इज वॉट मोर फैसिलिटीज. Poor are getting the best facilities. That is Prime Minister Modi. Supriya Sule ji, on the other hand, said that she's being a big question mark of the entire healthcare. She says healthcare expenditure has become the dismal low, sabse lowest ho gaya don't brag about Ayushman Bharat and other schemes. The poor are not getting proper medical treatment. Now, how this is two things. Ek Modi ji kehna ki success hai, 2 lakh ke upar aarogya mandir humne banaya, latest technology. So how does dono compare kaise karoge? You are from this field, Dr. Malhotra. See, we know that Modi ji always exaggerate karke, bahut badi badi baatein karte hai, and what he call is an event making, showbazi. Isme BJP bahut mahir hai. तो ये सब बातें, बड़ी बड़ी बातें, इलेक्शन नजदीक है तो ये सब बातें की जाती है कि वो हमने ये स्कीम निकाली, वो स्कीम निकाली. बट द ग्राउंड रियलिटी इज दैट हार्डली एनी पीपल आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट. द हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर सो पुअर, सो पुअर, वेरी बैडली लुक्ड आफ्टर इन महाराष्ट्र. तो आई मीन यू सी फ्रॉम अवर पार्टी व्हेन द महाविकास आघाड़ी वॉज रूलिंग, फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम द हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर रियली गॉन डाउन. आग लगी थी, और उसके बाद वो जो नांदेड का जो हॉस्पिटल है वहां पे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंट्स हैड डाइड. सो हैज द सिचुएशन इम्प्रूव नाउ? बिकॉज the people from the Eknath Shinde government say very clearly that the situation has improved. Our MRI scanner bhi wahan aa gaya hai, x-ray machine bhi aa gayi hai, medicines are also available. Is that true? कहाँ आ गया है? भले एक या दो हॉस्पिटल में शायद उन्होंने एज एन इवेंट किया होगा. We are not, we don't see, because for the MRI and the CT scan and all these facilities, they have to go to the other hospitals. They are directed to go to the other hospitals, private, semi-private, and people, really the healthcare is absolutely in a bad condition. And for this main purpose, for this, for the farmers, for the yuva, in sabko liye hum log pray karte hain ki abhi government change ho jaye. Really, it's high time that the government changes. And maine ye bhi suna hai, ma'am, ki we've also heard, hum logon ne ye bhi suna hai ki jo
नॉर्मल ब्लड टेस्ट भी जो होते हैं, नॉर्मल ब्लड वर्क रिपोर्ट विच कम्स आउट, इवन फॉर दैट दे आर डायरेक्टेड टू प्राइवेट लेबोरेटरीज, इज दैट ट्रू? Yes, yes, we have also heard about that, and they direct it over there. Then we don't know whether there is a cut, you know, cutback practice and things like that. So, वो सब भी issue है. But ये सब supposing local level पे हो रहा है, तो उसके ऊपर भी तो कोई मतलब देखना चाहिए ना कि ऐसी ये सब चीजें नहीं हो. तो health care के ऊपर कोई भी नहीं है कि who's like sort of keeping a check on everything. So that facility is only not there because anybody is keeping a check. Anybody is really bothering about it. Or Pradeep, the doctors' vacancies have also not been filled. That is the problem. So. That is also. That is like all the other government jobs. There is so much of vacancies are there in everywhere. So why aren't they doing it? What is your opinion? Why aren't they doing it? They don't have the money or what? They don't have the inclination? Or do they want to privatize everything? Yes, basically they want to, ultimately they want to privatize everything. That is the next this thing. And also like, really not bothering about the people. They say they, how they were in the farmers case also, like how they sort of don't bother about the farmers, the small farmers, where because they want to bring the their corporates inside. So this is going on in all the fields. So this is the way that they sort of neglect, and then they'll say, oh, some privatized people should come, and then they should take over and do, you know, well, where we know that where privatization occurs, then whose pockets are filled, we know that. You know, अजित पवार जी जिस प्रकार से अभी बारामती में कैंपेन चालू कर दिया, he has gone very personal level. अजित पवार says, you elected me, you elected शरद पवार जी, you elected सुप्रिया सुले, now it's turn for you to elect सुनित्रा पवार जी. आगे जाके he says, you elect a पवार. He is trying to show that सुप्रिया सुले is not a पवार now. She is a सुले. She is not a part of the family. She is not a part of the पवार family. That is what अजित पवार has been campaigning. Now this, I mean, a new phase of new dimension of campaign that we are seeing. Don't vote who's not a power. So who's the real power? So, how do you see that, Dr. Malhotra? This is jo important mudde nahi hote. जहाँ उनको बात करने के लिए नहीं है कि बारामती में उन्होंने क्या क्या किया, बारामती के आजू बाजू की जगह में उन्होंने क्या क्या किया, ये मुद्दे नहीं है तो देन ये ऐसी सब बातें आ जाती है. This is like emotional as always, you know, he tries to be he is trying to be emotional about everything and trying to get the votes emotionally. Abhi Pawar, Supriya Sule, we are so proud of her that unhone Supriya Tai itne Pawar sath ke itna naam hote hue bhi unhone she stuck to her the name Sule, the new name Sule. She is with Pawar sahab, but she is sticking to her name, you know, the new name Sule. और सुरे नाम से भी उन्होंने वो संसद रत्न, संसद महारत्न, और ना रोन शी हैज डन ऑल दिस थिंग्स. और पवार 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 वाई वाई दे ऑलवेज वॉन्ट शरद पवार का उनको सपोर्ट तो चाहिए और फिर उनसे अलग हो गए, ये क्या बात है? शरद पवार जी टोल्ड व्हाट यू आर सेइंग, सेड मूल पवार कौन, शी इज द रियल पवार. Mool power the, she is superior. The, I mean, Sharad Pawar. But that's being unfair. Very frankly, that's a very unfair way of doing. But it's politics. What do you do? But I never expected things would come to such a pass. What I feel is Sharad Pawar. He said that Pawar, Bahar se Pawar. Meaning naturally, na, ye Pawar jo hai, jo unke nephew wo jo hai, unke wife, wo to Bahar gaye na. Abhi Bahar hi gaye hai. To Bahar ke hi hai Pawar abhi. लेकिन यहाँ पर एक चीज है विच आई मस्ट रिमाइंड आवर व्यूअर्स अबाउट एंड आई एम श्योर यू वुड ऑफ कोर्स नो अबाउट इट. व्हेन सुप्रिया सुले जी वाज आस्क्ड अबाउट सुनित्रा पवार जी, शी सेड पॉलिटिकली वी मे बी राइवल्स बट पर्सनली आई विल नेवर से समथिंग अबाउट माय सिस्टर इन लॉ, आई विल नेवर से दैट, शी इज माय ब्रदर्स वाइफ, दैट्स व्हाट शी सेड. आई विश मिस्टर अजीत दादा पवार वुड हैव आल्सो स्टक टू द सेम थिंग. डोंट यू थिंक यू नो सम कुछ मर्यादा होनी चाहिए यार, कुछ मतलब मुझे लगता है नहीं. सही बात है, कुछ मर्यादा डेफिनेटली होनी चाहिए एंड दैट शोज द क्लासीनेस ऑफ सुप्रिया ताई. सुप्रिया ताई इवन सेड वेंट फर्दर एंड सेड कि शी इज लाइक अ मदर टू मी, यू नो एज वाइज उनका डिफरेंस जो भी है शी सेड. और उन्होंने हमेशा बोला हुआ है कि ये जो लड़ाई है ये वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए, ये वैचारिक पद्धति से लड़ाई होनी चाहिए. दुरुस्त बात. तो दिस इज व्हाट, आप वही बात करिए ना, जैसे सुप्रिया ताई तो हमेशा उनके भाषण में इम्पोर्टेंट मुद्दे बोलती रहती है
कि जो बीजेपी ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है, जैसे हेल्थ है, जैसे किसान की बातें हैं, जैसे युवा है, जैसे महिलाओं की सुरक्षा है, तो ऐसे से जो अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, ऐसे जो अहम मुद्दे हैं, तो वही तो मुद्दे जो मेन लोगों के लिए मुद्दे हैं, तो ये सब उल्टी सुलटी बातें करने, ये रिलेशन वो ये दैट इज लाइक यू नो अननेसेसरली वेस्टिंग पीपल्स टाइम. नाउ पीपल आर आल्सो इंपेशेंट, यू नो. यू नो प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड जो कांग्रेस के साथ है वो नकली शिवसेना है. देन अमित शाह जी द सेकेंड डे सेड इवन शरद पवार एनसीपी इज नकली एनसीपी. दैट इज व्हाट अमित शाह सेड. बोले नकली एनसीपी, नकली शिवसेना और आधा कांग्रेस, ये तीनों मिलकर दे डोंट हैव एन आइडियोलॉजी, दे डोंट हैव अ एजेंडा, दे डोंट हैव एनी गोल्स फॉर स्टेट, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू व्हाट वी कॉल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. तो हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट, ये नकली शिवसेना, नकली शरद पवार का पार्टी एनसीपी, आधा कांग्रेस, नाउ दे आर ट्राइंग टू टोटली से दैट एमवीए इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एन इंपैक्ट एट ऑल वेयर महाराष्ट्र इज कंसर्न्ड. दैट तो इलेक्शन में तो ऐसे भाषण तो वो तो करेंगे ही, मगर उनको ऐसे बात करते हुए ये कितने रॉन्ग है, बिकॉज हाउ कैन दे से कि नकली शिवसेना, बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना है, तो नेचुरली हाउ कैन दैट बी नकली शिवसेना, जो उनके बेटे है, उनके पोते है और उनके विचार से चल रहे हैं. हमारे एनसीपी में जो जन्मदाता है उनकी एनसीपी रियल एनसीपी नहीं है, नकली है, तो ये क्या बात बोलने की बात है क्या? दिस इज जस्ट लाइक बोल दी. Yeah, this will help because people also realize कि ये statement कितना untrue statement है. And it's hurtful. It's hurtful. Yes. So that shows that you know that the politics is going so low. So why are they making such statements? Because don't they know what the effect is going to be? Because when you make such a statement, there are people who love Mr. Sharad Pawar, there are people who are with Uddhav Thackeray, who love the name Thackeray. So basically in Maharashtra they are scared of Sharad Pawar ji, they are scared that Uddhav Thackeray may also get good you know the people are with them, so they are basically scared. And उनका ही कुछ बराबर चल नहीं रहा है, अजीत दादा है शिंदे के ग्रुप में कुछ आमदार नाराज हो रहे हैं, तो ये सब उनका सब चल रहा है, तो उनको सब इसी चीजों से डाइवर्ट करना है. उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया लास्ट सो मेनी इयर्स में, तो ये सब चीजों से डाइवर्ट करने के लिए ये सब ऐसी बातें करते हैं. सो दैट पीपल आर ऑल्सो नाउ सीइंग थ्रू ऑल दीस डाइवर्जन टेक्निक्स एंड ऑल दैट. यू नो सुप्रिया सुले जी हैज आलोचना किया जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सेज दैट 80 करोड़ जनता के ज्यादा हम मुफ्त रेशन दे रहे हैं, अब भी दे रहे हैं और 5 साल और देंगे. सुप्रिया सुले जी कोटेड द फूड प्राइस जिस प्रकार से इंडेक्स द प्राइस राइज हैज टेकन प्लेस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स. सी सेड यू आर टॉकिंग अबाउट फूड, आम जो गरीब से गरीब आदमी को हेल्दी डाइट, ए डाइटरी फूड टोटल नहीं मिल रहा है, तो इट इज लाइक हैविंग ओनली सम जो इमीडिएट एपेटाइजर्स है, मेन फूड इज नॉट देयर. नाउ शी हैज टोटली सेड द एंटायर स्कीम दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट 80 करोड़ को दे रहा हूं, बट ही सेड गिव अ हेल्दी, देयर इज फूड इन्फ्लेशन, व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट राइट. हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू डॉक्टर मल्होत्रा? Yes, I think that the inflation कुछ food में 8.5% 5.3% कुछ inflation हो गया है, तो why food के prices तो continuously increase ही हो रहे हैं, जो basic food items है, the pulses है, cereal, तो वो सब increase हो रहे हैं, तो ये क्यों होना चाहिए? जब आप ऐसे बोल रहे हो कि आप लोगों को ये दे रहे हो, food दे रहे हो वगैरह, तो make the prices such that everybody can afford the food. Why are you saying the next 5 years maybe itni hi log matlab low star mein rahenge ki they will not afford to eat themselves? So you know elevate the situation in India and make it in a good platter. So ye kahan baat ho rahi hai matlab? Right, thank you so much Dr. Srila Mahato for talking to us. Thank you very very much and all the very best to you, and very good wishes on Navratri and all the other festivals which are there between today and tomorrow. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you very much, ma'am. Namaskar. Namaskar. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें. अभी चल रहा था. आप देख सकते हैं. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी भी बज गई है. प्रदीप जी. Exactly. Time clock. Strike 30.
13, तो आप कृपा करके जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने कमेंट जरूर भेजें। मंडे को पढ़ेंगे कमेंट्स आपके, मंडे या ट्यूसडे जब मर्जी जरूर पढ़ेंगे आपके कमेंट्स। फिलहाल आप सब लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशु की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बैशाख जो बंगाल में है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश में फेस्टिवल हैं, आज 15-20 जगह पर आज फेस्टिवल हैं, उन सब की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।